हमने क्रड ऑपरेशन जो बनाया था ना, तो लॉगिन साइन अप करने के बाद हमें उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अभी जो हमारे पास, अगर मैं जाऊँ राउट्स में जाऊँ और मैं जाऊँ पोस्ट के राउट्स में, ठीक है, ये कौन से राउट हैं? ये सर्वर के राउट्स हैं मेरे, ठीक है। सर्वर के राउट्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट में जाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये एक नई पोस्ट क्रिएट करने की एपीआई मेरे पास बनी हुई है, राइट, राउटर डॉट पोस्ट और स्लैश पोस्ट, और इसके अंदर, अच्छा ये गलत लगा हुआ है, दिस इज साइन अप, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे टाइटल और टेक्स्ट मिल जाता है बॉडी के अंदर कि जी ये पोस्ट बंदा करना चाह रहा है। अच्छा, मैं उस पर वैलिडेशन लगा देता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं है तो मैं वापस भेजता हूँ, अगर है तो मैं आगे जाने देता हूँ। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि कॉलम डॉट इंसर्ट वन, ये मेरा मोंगो डीबी का कलेक्शन ऊपर बना हुआ है, तो मैं कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये तीन चीज़ें रख के मैं उसको इंसर्ट करवा देता हूँ। अंडर स्कोर आई डी जो है मेरा डेटाबेस खुद से जनरेट कर लेता है। अब मुझे एक्चुअली करना ये है कि इस पोस्ट के अंदर ना उस बंदे का नाम ऐड करना है कि कौन बंदा इस वक्त लॉगिन है। ये तो हमें कंफर्म पता है कि जब तक बंदा लॉगिन नहीं होगा वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, है ना। तो हमने अब इसके अंदर नाम ऐड करना है कि आया कि ये जो बंदा है ना, जो जो लॉगिन है इस वक्त, उसके नाम से ये पोस्ट हो रही हो, ठीक है। तो वेल, इसको शुरू करने से पहले हम एक दफ़ा ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारी ऐप में अभी तक क्या कुछ हम बना चुके हैं। हम शुरू करते हैं हमारे सर्वर डॉट एम जी एस की फाइल से, ठीक है। ये सर्वर डॉट एम जी एस की फाइल है हमारी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे सर्वर का। यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि एक्सप्रेस, कॉर्स, पाथ और डॉट ई एन वी और कुकी पार्सर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास कुछ राउट्स हैं यहाँ पे मौजूद। अच्छा, ये लाइब्रेरी, ये भी लाइब्रेरी है, तो इसको मैं ऊपर लाइब्रेरी की लिस्ट के साथ शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। जेसन वेब टोकन मुझे जे डब्ल्यू टी का टोकन साइन करने के लिए लाइब्रेरी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, तो टोटल मेरे पास चार राउट्स हैं, जिसके अंदर ऑथ राउट जो है मेरा एक्चुअली फंक्शनल है, और मेरा पोस्ट राउट जो है वो भी फंक्शनल है। बाकी ये नीचे कमेंट राउट और फीड राउट, ये जो है वो फंक्शनल इस वक्त नहीं है, ये मैंने जैसे ही प्लेस होल्डर बना के रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों राउट्स के अंदर काम हो रहा है। अच्छा, तो हम नीचे चलते हैं, ये इम्पोर्ट कर लिया चार राउट्स को, लेकिन अब ये चार के चार राउट एक्चुअली नीचे कहाँ पे फंक्शन करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ से जी मेरी एक्सप्रेस की ऐप स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले बॉडी पार्सर मैंने लगा दिया है यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन करके, जिससे क्या होगा कि जी पोस्ट की जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उसमें अगर बॉडी में कोई जेसन डेटा अगर होता है तो उसको ये पार्स कर देगा। जेसन के अलावा कोई टाइप होगी तो उस पर ये काम नहीं करेगा। उसके अगर जेसन के अलावा कोई और टाइप है, जैसे फॉर्म डेटा वगैरह, तो उसके लिए मुझे पार्सर दूसरा इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ये उस पर काम नहीं करता, ये सिर्फ जेसन बॉडी पर काम करता है। तो अभी तक हमने बॉडी के अंदर सिर्फ जेसन ही भेजा है, और हमने जेसन के अलावा भी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। होपफुली थोड़े दिनों में हमें फॉर्म डेटा की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो जब पड़ेगी तो देख लेंगे फिर क्या करना है। अच्छा, कुकी पार्सर के जी, जब मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो मैंने जो जे डब्ल्यू टी का सेटअप अपना बनाया हुआ है उसमें हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन लेकर आता है बंदा, तो वो टोकन क्योंकि कुकीज़ के अंदर रखा हुआ है मैंने, तो इसलिए मुझे कुकी पार्सर चाहिए। उस जैसे बॉडी को पार्स करते हैं उसी तरह कुकी को पार्स करना है मुझे। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोर्स का जो मॉड्यूल था मेरा, उसमें भी ये मेंशन कर दिया कि जी क्रेडेंशियल्स ट्रू हैं, कि जी इस ओरिजिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ सकती है और मेरे पास जो रिक्वेस्ट आएगी उस पर क्रेडेंशियल ट्रू मैंने सेट किया हुआ है कि जी वो HTTPS ओनली कुकी अपने साथ लेकर आएगी और अपने साथ लेकर वापस भी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद मैंने यार सबसे पहले ऑथ राउट को यहाँ पे सेटअप किया हुआ है कि जी /API/V1 के ऊपर क्या होगा, ऑथ राउट्स जो है ना मेरे एक्सेस होंगे। अच्छा, ऑथ राउट के अंदर क्या है जी, जैसे /API/V1, उसके बाद /login/signup, ठीक है। इस तरह दो मेरे पास हैं, अंदर चल के इसको देख लेते हैं। हमारे पास /login है और /logout भी हमने बना लिया था, यस लास्ट क्लास में हमने ये किया था, और हमारे पास साइनअप है। तो ये तीन टोटल राउट्स हैं मेरे पास जो कि अनऑथेंटिकेटेड बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड बंदा। अच्छा, लॉगआउट के अंदर मैं कोई ऐसा सिक्योर काम कर नहीं रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। लॉगआउट के अंदर मैं जस्ट क्या करता हूँ, कुकीज़ को क्लियर करवा देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो इसलिए इसको अनऑथेंटिकेटेड राउट में रखा जा सकता है। अच्छा, तो जी मैंने ये ऑथ राउट देख लिया मेरा। अच्छा, ऑथ राउट के अंदर जब मेरा बंदा लॉगिन हो जाता है, जब मेरा बंदा लॉगिन हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, ये तो जी मैं इसको चेक लगा रहा हूँ कि जी बंदा वाकई मौजूद है या नहीं है, और ये मैं हैश मैच करता हूँ इसका। वंस ये मैच हो जाता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर एक काम मैं ये करता हूँ कि JWT का टोकन साइन करता हूँ। अच्छा, उसके अंदर कुछ पेलोड डालता हूँ जो कि पब्लिक डेटा है,
ये पेलोड जो है ये क्या होता है, ये पब्लिक डेटा होता है, लेकिन इसकी अच्छी बात ये कि चेंज नहीं हो सकता ये, इस वजह से इसको, क्योंकि मैंने इसको साइन करके भेजा है सर्वर से, तो जब अगर किसी ने चेंज किया और वापस सर्वर पे आएगा ना तो मैं सिग्नेचर चेक करूंगा, मैच नहीं करेगा वो, तो ये चेंज नहीं हो सकता, हर दफ़ा इसको यही भेजना पड़ेगा जब ही काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरे पास ये एक तो ये डेटा आ गया, इसके अंदर इस बंदे का ईमेल शामिल है, इस बंदे का फर्स्ट नेम लास्ट नेम शामिल है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं इस बंदे की अंडरस्कोर आईडी भी रखवा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है, तो अंडरस्कोर आईडी भी मैं इसके अंदर रखवा सकता हूँ, जो कि शायद मुझे रखवानी चाहिए थी, मैंने नहीं रखवाई है लेकिन मुझे रखवानी चाहिए थी। वेल, ईमेल है मेरे पास, तो फिलहाल अभी हम ईमेल से काम चलाते हैं। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा क्योंकि बंदा चेंज नहीं कर सकता, तो ये डेटा ऑथेंटिक है, ये जो डेटा है ये ऑथेंटिक है। जब एक रिक्वेस्ट वापस आएगी मेरे पास और मैं अपने टोकन के सिग्नेचर को मैच करता हूँ और वो अगर सिग्नेचर मैच हो जाता है तो इसका मतलब है पेलोड में जो डेटा है वो एग्जैक्टली वही है जो मैंने रखवाया था, ये चेंज नहीं हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम ये मैंने कुकीज़ के अंदर ये टोकन रखवा दिया और टोकन रखवा के मैंने क्या करवा दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके कहानी यहाँ पर ख़त्म कर दी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये मेरा ऑथ का जो लॉगिन है ना ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होता है, बंदा जब अगली रिक्वेस्ट करता है तो ऑथेंटिकेटेड राउट की तरफ मूव करता है ये। अच्छा, तो ये अनऑथ वाले राउट हैं जो बगैर ऑथेंटिकेशन के एक्सेस किए जा सकते हैं, जैसे कि लॉगिन वाला राउट। उसके बाद क्या है जी, मेरे पास ये पूरा का पूरा एक बैरियर लगा हुआ है। इस बैरियर के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले तो ये किया है कि यार रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन में से ना ये टोकन अलग करो, जो बंदा टोकन इस वक्त लेकर आया हुआ है। JWT.verify का मेथड कॉल करो, इसमें टोकन दो जो बंदा अभी लाया है और मेरा सीक्रेट दो, यानी मेरा जो सिग्नेचर था वो इसको दे दिया मैंने, और मैं दोनों को मैच करवाता हूँ। तो अगर मेरा सिग्नेचर मैच हो जाता है तो ये मुझे डिकोडेड के अंदर क्या मिल जाता है, वो पूरा का पूरा पेलोड मिल जाता है जो मैंने रखवाया था, वो पूरा का पूरा पेलोड मुझे मिल जाता है जो मैंने रखवाया था, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ, इस डिकोडेड में से कुछ चीज़ों को अलग करके उसको मैं बॉडी में भी रखवा देता हूँ, कुछ चीज़ों को अलग करके मैं क्या कर देता हूँ, बॉडी में भी रखवा देता हूँ, ठीक है। यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लास्ट नेम और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल और इज एडमिन, ये चार वैल्यूज़ मुझे अब थ्रू आउट द सर्वर, इसके नीचे जितनी भी अब मेरे पास राउट्स बने हुए हैं उसमें मुझे ये चार चीज़ें इसी तरह से मिल रहे होंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे करके मिल रहा होगा। अच्छा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब इस राउट पर बंदा हिट होता है पोस्ट राउटर के ऊपर, पोस्ट राउटर के ऊपर जब बंदा हिट होता है, इसके अंदर चलता हूँ मैं, तो इस जगह पे जब ये आएगा ना और बोलेगा राउटर डॉट पोस्ट, तो यहाँ पे बॉडी में मुझे क्या मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड, और वो पूरा का पूरा पेलोड मुझे एज इट इज़ मिल रहा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करते वक्त मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि इसका ऑनर मिसाल के तौर पर, और मैं बोल देता हूँ कि जी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड डॉट ईमेल, ठीक है, या इसको मैं ऑनर शायद बोलना सही नहीं रहेगा, क्रिएटेड बाई बोलूँगा शायद मैं, क्या इसका क्या नाम रखना चाहिए यार, कुछ सजेस्ट करो, क्रिएटर, ऑथर, यस ऑथर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑथर, अच्छा ऑथर ईमेल, ऑथर ईमेल लिखा है मैंने इसको यहाँ। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, ऑथर आईडी, और इसकी जगह पे मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र आईडी ऐसे लगा देनी चाहिए मे बी, या मुझे अंडर स्कोर आईडी लगा देनी चाहिए, बट मेरे पास बॉडी के अंदर ये अंडर स्कोर आईडी इस वक्त मौजूद नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा लॉगिन में, जो लॉगिन का मेरा था, और वहाँ पे जाके मैं ज़रा इसके अंदर ना लॉगिन करवाते वक्त, लॉगिन करवाते वक्त जो मैं सिग्नेचर बनाता हूँ पूरा का पूरा ना, इसमें मुझे क्या रखवा देता हूँ, मैं अंडर स्कोर आई डी भी एक रखवा देता हूँ, और उसको मैं बोलता हूँ कि यार क्या हो गया ये, रिजल्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी, ठीक है, रिजल्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी करवा दिया। ये रिजल्ट क्या चीज़ है, जो मैंने फाइंड वन करके जो ई मेल के ज़रिए यूज़र पकड़ा है ना, ये उसका अंडर स्कोर आई डी आ गया, ठीक है, अंडर स्कोर आईडी उसकी आ गई। अच्छा, तो अब ये टोकन के अंदर शामिल हो गया, अब टोकन के अंदर जब शामिल हो गया तो इसका मतलब है जब मैं बैरियर में जब मैं होऊंगा यहाँ पे इस जगह पे, तो बैरियर में जब मैं डिकोडेड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे अंडर स्कोर आईडी भी मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि यार अंडर स्कोर आईडी को ना यहाँ से क्या कर लो, डिकोडेड डॉट अंडर स्कोर आईडी ऐसे कर लो, तो अब मुझे अंडर स्कोर आईडी भी मिल रहा होगा। तो मैंने एक छोटा सा चेंज किया है जस्ट,
ठीक है, मैंने क्या किया, पोस्ट करते वक्त मैंने क्या कर दिया, मैंने दो चीज़ें यहाँ पे, ऑथर ईमेल और ऑथर आईडी, ये दो चीज़ें यहाँ पे रखवा दी मैंने, ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखवा दी हैं। अच्छा, अब ये जो ऑथर अंडर स्कोर आईडी है ना और ऑथर अंडर स्कोर ईमेल है, ये मेरे लिए बहुत क्रूशल है यहाँ पे, सही है। वो इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा लॉगिन है तो अब वो पोस्ट करता है, अगर वो बंदा पोस्ट करता है तो ना सिर्फ ये होगा कि उस बंदे की ईमेल आईडी और उस बंदे का जो अंडर स्कोर आईडी है वो उसके अंदर आ रहा होगा, ठीक है, बल्कि अब कोई भी बंदा लॉगिन होगा तो वो जब पोस्ट करेगा तो उसकी ईमेल और उसकी अंडर स्कोर आईडी आ रही होगी। लिहाजा अब मैं ये कर सकता हूँ कि जब जो बंदा लॉगिन है अगर मुझे सिर्फ उसकी पोस्ट को गेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एक प्रोफाइल शायद पेज बनाऊँ जिस पर सिर्फ उसी की पोस्ट नज़र आती हो, किसी और की पोस्ट नज़र ना आती हो, और उस पर मैं क्वेरी बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ कि जी इस बंदे की पोस्ट लेकर आ जाओ, ठीक है, जो बंदा इस वक्त लॉगिन है उसकी पोस्ट लेकर आ जाओ। अच्छा, इसी तरीके से जब यहाँ पे एक और भी एपीआई बनी हुई थी मेरे पास, ये तो चलो पोस्ट की एपीआई को मैंने सही कर दिया कि जी पोस्ट बंदा अपनी ईमेल के अलावा किसी और नाम से कर ही नहीं सकता, अब मैंने पोस्ट की एपीआई को ऐसे कर दिया है कि जो भी बंदा पोस्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली बगैर उसके कुछ किए उसकी ईमेल आईडी उसमें चली जाएगी। इसका मतलब है मैं किसी और की ईमेल से पोस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, किसी और की ईमेल से पोस्ट करने के लिए मुझे उस ईमेल से लॉगिन होना पड़ेगा। अच्छा, अब गेट पोस्ट के अंदर, दो तीन सिचुएशन हो सकती है कि एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि बंदा अपनी पोस्ट को गेट कर रहा है, अपनी तमाम पोस्ट को गेट कर रहा है। एक ये हो सकती है सिचुएशन कि बंदा किसी की पोस्ट को गेट कर रहा है, और एक ये सिचुएशन हो सकती है कि बंदा सारी पोस्ट को गेट कर रहा है किसी की भी, है ना, तीन सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, तो इन तीनों को भी हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उससे भी पहले हम आ जाते हैं प्रोफाइल पे, गेट प्रोफाइल। अब गेट प्रोफाइल के ऊपर हम क्या करते थे कि बॉडी के अंदर एक ईमेल लेते थे, ये देख रहे हो ईमेल रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा नहीं डिकोडेड ईमेल लिया हुआ है इसके अंदर, अच्छा ये तो पता नहीं पहले था भी नहीं, वैसे ही लिख दिया होगा मैंने शायद, ठीक है, डिकोडेड के अंदर ईमेल लेते थे हम पहले, हाँ लेते थे, सही है। तो अब ये प्रोफाइल गेट करते हुए भी क्या होगा, इस बंदे की अपनी ही प्रोफाइल गेट होगी, किसी और की प्रोफाइल गेट नहीं कर सकता अभी, सही है, अगर स्लैश प्रोफाइल हिट करेगा तो वो सिर्फ अपनी गेट कर सकता है, किसी और की नहीं कर सकता। अच्छा, किसी और की गेट करवाने के लिए शायद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि प्रोफाइल स्लैश और यहाँ पे मैं लगा दूँ कि यार यूज़र आईडी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मैं लगा दूँ कि यार प्रोफाइल स्लैश यूज़र आईडी, और इस तरह करके मैं एक और एपीआई बना दूँ। एक और एपीआई बनाने से क्या होगा कि फिर ये उसकी एपीआई गेट हो रही होगी। ओके, अब इसको मुझे कैसे करना चाहिए आइडियली, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही रहेगा ये वाला, जस्ट एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, फंक्शन सेम रहेगा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे जस्ट ये चेंज हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँ कि ये बिल्कुल सेट मेट हो जाए। क्या मतलब, ईमेल चेंज करने के बाद जब वो लॉगिन करेगा तो टोकन नया बनेगा, नहीं तो वेल हम वो प्रोसेस दोबारा रिपीट कर सकते हैं ना। अभी इमेजिन करो कि बंदे ने ईमेल समाव चेंज कर ली, ठीक है, चेंज करके ख़त्म हो गया, अब जब वो लॉगिन करेगा तो टोकन उसी ईमेल से बनेगा ना जब वो जो चेंज हुआ। हाँ, तो उसको हम अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हम करते हैं, अभी तो हमने चेंज ईमेल की एपीआई नहीं बनाई, लेकिन जब हम चेंज ईमेल की एपीआई बनाएंगे तो ईमेल चेंज कंप्लीट होने के बाद हम उसको एक नया टोकन वहीं पर दे देंगे तो मिल जाएगा उसको, तो ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। वेल, इसको ईमेल पे नहीं होना चाहिए, एक तो बात ये है कि इसको ईमेल पे होना नहीं चाहिए, इसको होना चाहिए अंडरस्कोर आईडी पे, ठीक है। तो मैं यूज़र आईडी, जब भी मैंने यहाँ यूज़र आईडी लिखा है, और अब मैं किसको क्या बोलूँगा, अंडरस्कोर आईडी से लेकर आओ, सही है, मैंने इसको बोला भाई अंडरस्कोर आईडी है और ये यूज़र की आईडी जो है ना उससे लेकर आओगे आप, डिकोडेड डॉट यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये वाली अगर स्लैश प्रोफाइल कोई हिट करता है ना तो ये तो हिट होगा नहीं उसमें, स्लैश प्रोफाइल अगर कोई हिट करता है तो ये तो उसमें हिट होगा ही नहीं, वो बोलेगा भाई नॉट फाउंड। तो मुझे एक्चुअली करना पर क्या पड़ेगा, दो एपीआई बनानी पड़ेगी ऐसे करके, लेकिन कोड मुझे इस पर भी सेम चलाना है, इस पर भी सेम चलाना है। अब इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को इससे बाहर निकाल दूंगा मैं, इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया,
इससे बाहर निकाल दिया, ठीक है। और मैंने उसको बोल दिया कि जी गेट प्रोफाइल और मिडलवेयर, ठीक है, कॉन्स्ट गेट प्रोफाइल मिडलवेयर, ये गेट प्रोफाइल मिडलवेयर है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे अगर तो ये वाली पे चलाना है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि गेट प्रोफाइल मिडलवेयर, सही है, ये पास कर दिया। और इस पे भी मैंने सेकंड वाले पे भी यही पास कर दिया, गेट प्रोफाइल मिडलवेयर। अब एक ही फंक्शन है, वो दोनों पे चलता है। मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना क्या है? अच्छा, ये इस तरह के थर्ड पार्टी मिडलवेयर भी बने हुए मिलते हैं। थर्ड पार्टी मिडलवेयर कौन से हैं? जो कॉर्स है, कॉर्स एक्चुअली मिडलवेयर है, ठीक है। जो बॉडी पार्सर हमने लगाया वो एक्चुअली मिडलवेयर है, तो इस तरह के बने हुए हैं। अच्छा, अगर ये इस वाले पे रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूजर आईडी क्या होगा? नल होगा। अगर ये वाले पे रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूजर आईडी नल होगा। तो मैं इसके अंदर फिर इस चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगा। इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा? मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा। मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूजर आईडी। अगर तो पैराम्स में है तो वो वाला उठा लो, अदरवाइज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड वाला उठा लो, ये वाला उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़र आईडी ऐसे रखूँगा। ओह क्या किया मैंने, ये बहुत ज़्यादा जूम आउट हुआ था ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार ये जो भी यूज़र आईडी बनी है ना, ये उठा लो। ये सब लोगों को समझ आया कैसे हुआ? ये स्लैश प्रोफाइल पे भी सेम मैं फंक्शन हिट कर रहा हूँ, और स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आईडी पे भी मैं सेम फंक्शन हिट कर रहा हूँ, ठीक है। और यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ तरीका था, इसमें कॉमा डाल के भी करने का था, ये ऐसा ना स्लैश प्रोफाइल ऐसे करके ना शायद कॉमा डाल के भी एक ऑप्शन था इसका, ऐसे कॉमा डालने वाला भी कुछ चक्कर था शायद। एक मिनट गूगल मार लेते हैं, मुझे वहम हो रहा है शायद, या पता नहीं। इन टू डिफरेंट राउट्स और एक्सप्रेस, ओके। अच्छा, इस तरीके से है कि अगर स्लैश प्रोफाइल है ना, तो डॉट गेट और डॉट पोस्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि डॉट गेट पे ये फंक्शन चल जाए, डॉट पोस्ट पे ये फंक्शन चल जाए। इस तरह का तो है, चलो पॉसिबिलिटी है इस तरह की, लेकिन वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है जो मैं मुझे वहम हो रहा था। वेल, चलो इसको बंद कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, स्लैश प्रोफाइल पे भी यही हिट करवा दिया, स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर आईडी पे भी यही हिट करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर तो यूजर आईडी है तो मुझे इसके ऊपर एक वैलिडेशन भी लगानी पड़ेगी चुन्नी मुन्नी सी। वो वैलिडेशन कौन सी है? वो वैलिडेशन ये है कि भाई वो वैलिड आईडी है भी कि नहीं है, वैलिड आईडी वो है भी कि नहीं है। तो मुझे एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस, इसको मुझे ना ये वाली वैलिडेशन एक लगानी पड़ेगी मुझे, ये वाली वैलिडेशन एक मुझे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जी इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूज़र आईडी, क्योंकि ये डिकोडेड वाली तो मुझे पता है। अच्छा बाय द वे, ये दोनों ही यूज़र आईडी है एक्चुअली, ये दोनों ही यूज़र आईडी है ना, तो मुझे इसके नीचे इफ़ इसके नीचे लगाना पड़ेगा, इफ़ इसके नीचे लगाना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा यार यूज़र आईडी चाहे डिकोडेड वाली है चाहे जो भी है, दोनों को वेरीफाई कर लो। डिकोडेड वाले भी अगर वेरीफाई हो जाती है तो क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा भाई यूज़र आईडी आया कि पैराम्स में से मिली है या डिकोडेड डेटा में से मिली है, उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। इनवैलिड यूज़र आईडी, ठीक है। अगर तो वो जी इनवैलिड है तो यहीं से उसको भगा दो, अदरवाइज फिर ट्राई टू गेट द यूज़र, और ये इसको जो है ना इस तरह से ला कर दे देगा। तो ये हमने क्या कर लिया अपने अच्छा ये मुझे एक एरर देगा एक्चुअली, वो एरर ये देगा कि फंक्शन बना हुआ बाद में और यूज़ पहले हो गया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका इंतज़ाम ये करता हूँ कि ये जो यूज़ है ना इसको मैं बाद में कर देता हूँ और बने हुए को पहले। अब ये एरर ये वाला नहीं देगा, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा हम ये गेट पोस्ट वाले में।
अब गेट पोस्ट जो है, सिंपल सिंपल जो गेट पोस्ट है उसको मैं क्या बनाऊँ? आया कि मैं ये बना दूँ कि मेरी पोस्ट गेट हो, आया कि मैं ये बना दूँ कि सब लोगों की पोस्ट गेट हो। तो सब लोगों की पोस्ट गेट करने का जो आम तौर पे राउट होता है वो स्लैश फीड कहलाता है, ठीक है? वो फीड होता है, वो पोस्ट नहीं होता, ठीक है? क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आप सब लोगों की पोस्ट गेट कर रहे होते हैं तो वो ऐसे नहीं होता कि रैंडमली किसी का भी उठ के आ जाए। उसका बाकायदा एक एल्गोरिथम होता है कि जी किन लोगों की पोस्ट आपको दिखानी है। अच्छा, ज़रा तुक्का लगाओ, गैस करो कि किस तरह का वो एल्गोरिथम होता होगा, वो क्या क्या चीज़ें देख के ला रहा होता होगा। एक दोस्त कह रहे हैं कि हिस्ट्री, और लोकेशन भी मैटर कर रहा होता है। और बताओ, असल में ये पूरा एक लंबा चौड़ा और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है जो कि हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं कर पाएंगे होपफुली। लेकिन अभी ट्विटर ने अपना जो पब्लिक किया कोड, उस पर लोगों ने तबसरा किया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने वेटेज सेट किया हुआ था एक पोस्ट का, कि वो कितने लोगों को नज़र आएगी और कितने लोगों को नज़र नहीं आएगी, ठीक है? तो वो एक्चुअली करते ये थे कि एक पोस्ट आई, उस पर अगर कोई बंदा लाइक करता है तो वो 10 और लोगों को दिखाता है, अगर कोई बंदा कमेंट करता है तो 20 और लोगों को दिखाता है। इस तरह करके उन्होंने एक वेटेज सेट किया हुआ था। तो एक वेटेज है कि जी इस पोस्ट का वेट अभी कितना बचा हुआ है, एक तो वो ये चीज़ देख रहे होते थे। फिर दूसरा ये जियोग्राफिक्स वो देख रहे होते थे कि जी ये पोस्ट अगर पाकिस्तान से हुई है तो वो प्रोपेगेट पाकिस्तान से ऐसे बाहर की तरफ करेगी, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान से हुई भी पोस्ट डायरेक्ट किसी अमरीका के बंदे को दिख जाए। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म ने अलग अलग तरह से उसको जो है ना मेनटेन किया हुआ होता है। जैसे टिकटॉक क्या करता है कि वो सिटी वाइज डिवाइड करता है कि आपका शहर जो होता है आपको वहीं की पोस्ट दिखाता है वो, और आपके किए हुए पोस्ट उसी शहर को बाई डिफ़ॉल्ट दिखा रहा होता है। कहीं और आप अगर आपने करना है तो आपको बताना पड़ता है कि जी ये पोस्ट फलां जगह दिखानी है आपने। तो इस तरह से डिफरेंट, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक समहाउ, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो पोस्ट होती है ना उसको वो उठा के लाता है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसलिए इसका राउट आमतौर पर क्या होता है, अलग होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि स्लैश पोस्ट जो है ना, वो स्लैश पोस्ट जो क्या होगा, स्लैश फीड होगा एक्चुअली, ठीक है? अभी देखते हैं ये सजेशन में क्या मुझे देता है, क्या मुझे सजेस्ट करता है इसके लिए। ये फीड का हो सकता है मुझे एल्गोरिथम ये बना दे, ये विस्परर नहीं बना के दिया भाई, मतलब क्या फ़ायदा है इसके होने का यार, अगर ये मुझे एल्गोरिथम नहीं बना के दे पा रहा है तो। अरे दिया 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 भाई दिया, देखते हैं क्या बना के दिया इसने। कुछ ख़ास नहीं बना के दिया इसने वैसे, ठीक है? कुछ खास नहीं बना के दिया इसने। पोस्ट आईडीज नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था जो इसने दे दिया एक्चुअली, सही है? तो इसको हम कह देते हैं कि जी टू डू है ये, ठीक है? फीड अभी क्या करना है वो हम देख लेंगे। असल में फीड में क्या होगा, तमाम लोगों की पोस्ट गेट हो रही होगी। अच्छा, तो अब हमारे पास रह गया एक अदद, क्या हो गया, पोस्ट। अच्छा, तो पोस्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, स्लैश पोस्ट जब हिट हो तो बाई डिफ़ॉल्ट मुझे मेरी पोस्ट मिले, जो बंदा लॉग इन है उसको उसकी सारी पोस्ट मिल जाए, ठीक है? और प्लस अगर बंदे ने बोला कि भाई स्लैश पोस्ट और साथ में किसी यूज़र की आईडी भी पास की, साथ में किसी यूज़र की आईडी भी पास की उसने, तो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि अच्छा जी उस यूज़र की पोस्ट के बारे में बात हो रही है, ये किसी और यूज़र की पोस्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है? अच्छा, तो स्लैश पोस्ट के बाद जो स्लैश की यूज़र की आईडी होगी वो मैं क्या दूंगा, क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर दूंगा। क्वेरी पैरामीटर्स में कैसे दे रहा होता हूँ, क्वेरी पैरामीटर कैसे देते थे यार, भूल गया मैं, क्यू करके देते थे, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर को इधर लिखने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है? क्वेरी पैरामीटर को इधर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो हम बाई डिफॉल्ट यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पोस्ट वाले में मैं कर रहा हूँ, मुझे तो ये गेट वाले में करना है ना, पोस्ट वाले में थोड़ी करना है। गेट वाला कहाँ चला गया यार, ओहो इसको भी मैंने वो किया हुआ है, गेट पे फीड चलेगा ये, ठीक है? ये गेट पोस्ट ये है। तो सबसे पहले तो हो गया फीड, उसके बाद क्या हो गया जी, गेट पोस्ट। अब गेट पोस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, आगे यहाँ पर बोलूँगा कि यार इफ़
मैं बल्कि कॉन्स्ट कर दूंगा ना, कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल्स, है ना, यूज़र आईडी, या तो मैं बोलूँगा कि यार मुझे बोल दो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूज़र आईडी, यूज़र आईडी ले लेंगे, अंडरस्कोर आईडी ले लें, अंडरस्कोर आईडी ले लेते हैं, सही है, या तो मुझे ये मिल जाए, अदरवाइज मुझे क्या मिल जाए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अगर तो बंदा पोस्ट को अगर इस तरह से हिट कर रहा होता है कि जी स्लैश पोस्ट और क्वेश्चन मार्क और अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स, और यहाँ पे बंदा एक आईडी पास कर रहा होता है, ठीक है, तो वो उसको किस तरह से मिल जाएगी, वो उसको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिली समहाउ तो वो ऑटोमेटिकली डिकोडेड डेटा में से उठा लेगा उसको, ठीक है। अच्छा, अब आप ये नोट करें कि यूआरएल पैराम में ना मुझे क्या करना पड़ा था, यूआरएल पैरामीटर्स में मुझे ये दो अलग अलग बनाने पड़े थे, लेकिन क्वेरी पैरामीटर्स में मुझे दो अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मुझे वो पाथ में लिखना नहीं पड़ता उसको, ठीक है। अच्छा, आई होप कि यार इसको भी करने का कोई तरीका होगा कि मुझे दो लाइनें ना लिखनी पड़े, मे बी, बट मुझे अभी वो पता नहीं है शायद, ठीक है। वेल, एक ही काम को करने के आपको पता है प्रोग्रामिंग में कई तरीके हो सकते हैं, तो आप उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, और फिर जाहिर है नई नई अपडेट्स जो आती रहती हैं, एक्सप्रेस का भी फ्रेमवर्क है वो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, तो उसमें कोई हो सकता है नई अपडेट में कोई ऐसा तरीका मौजूद हो कि वो एक ही में कॉमा लगा के आप लिख देंगे जी इन दोनों में एक ही फंक्शन हिट होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये यूज़र आईडी मेरे पकड़ में आ गई, ये यूज़र आईडी पकड़ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इस यूज़र आईडी को ज़ाहिर है मैं वैलिडेशन भी एक लगा लेता हूँ इसके ऊपर, तो अच्छी बात होगी। तो जहाँ पोस्ट करते वक्त मैं वैलिडेशन लगाता हूँ, कहाँ लगाता था अभी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहीं लगाई थी ना वैलिडेशन, किस पे लगाई थी, गेट प्रोफाइल पे लगाई थी, गेट प्रोफाइल पे मैंने लगाई थी ना, कहाँ गया मेरा गेट प्रोफाइल, ये आ गया गेट प्रोफाइल। तो इस पे मैंने जो ये वैलिडेशन लगाई थी, मुझे एक्चुअली यही वैलिडेशन क्या होगी अब गेट पोस्ट के ऊपर भी मुझे लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी इज़ एक्चुअली एन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये यूज़र आईडी को मैंने यहाँ पे भी वैलिडेट कर लिया, ठीक है, आगे क्वेरी को चलाने से पहले इसको मैंने वैलिडेट कर लिया। दिस वैलिडेशन इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, कि आपके सर्वर को जानबूझ के कोई ब्रेक ना कर सके, ठीक है जी। और यहाँ पे कलेक्शन डॉट फाइंड किया जी कि तमाम की तमाम पोस्ट ढूंढ कर लाओ, और अब की बार यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ेगा कि जी अंडरस्कोर आईडी कौन सी वाली है, यूज़र आईडी, ठीक है। इस यूज़र आईडी में या तो उस बंदे के खुद की आईडी होगी, या तो जिसका उसने पैरामीटर में लिख के भेजा है उसकी आईडी होगी, ठीक है, कोई ना कोई यूज़र आईडी इसके अंदर होगी। तो ये हमने क्या बना लिया, गेट गेट पोस्ट के अंदर अपनी पोस्ट गेट करने का और किसी एक स्पेसिफिक यूज़र की पोस्ट गेट करने का सेटअप यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, और तमाम पोस्ट जो गेट करने वाला है उसका मैंने राउट बिल्कुल अलग कर लिया, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि वो हम किस तरह करते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई और तो ऐसी चीज़ नहीं रह गई ना, लिमिट किया मैंने 100, ओके, इसमें मैंने 100 लिमिट किया है। अच्छा, इस लिमिट को भी हम पेजिनेशन करके, एक चीज़ होती है जिससे हम क्या करते हैं, इसी तरह से क्वेरी पैरामीटर में ना पेज वन, पेज टू, पेज थ्री करके भेजते हैं, तो हम उसको 100, 200, 300, 400 ऐसे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, पेजिनेशन। तो अभी इसको इंशाल्लाह फ्रंट एंड के ऊपर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मे बी अगर मौका मिला तो हम पेजिनेशन को ज़रा इम्प्लीमेंट करके भी देख लेंगे, ठीक है। पेजिनेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारे पास पोस्ट हज़ारों लाखों की तादाद में भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर एक ही दफ़ा की गेट में मैंने लिमिट नहीं लगाई ना कोई, और डायरेक्ट क्वेरी मारी और मेरे पास 1,000,000 पोस्ट उठकर आ गई अगर, तो 1,000,000 पोस्ट उठ के आने की वजह से गेम उतर जाएगी मेरी, ठीक है। मेरा सर्वर, सबसे पहले तो मेरा डेटाबेस स्लो डाउन होगा, क्योंकि उससे जब इतना ज़्यादा डेटा मैं मांगूंगा ना एक साथ, तो उसका रैम प्रोसेस सब छत से लग जाएगा। फिर डेटाबेस से अगर निकल के डेटा आ गया मेरे सर्वर पे, तो मेरे सर्वर पे भी क्या होगा, रैम फुल हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा डेटा आएगा तो रैम कंजम्पशन बढ़ेगी उसकी। अच्छा, फिर क्या होगा उसके बाद, जब मेरे सर्वर से वो डेटा निकलेगा और फ्रंट एंड पे आने की कोशिश करेगा, तो जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो स्लो डाउन करेगा, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन मिसाल के तौर पर 1 Mbps है, तो अगर वो 10 MB का डेटा है अगर, तो 1 Mbps में वो 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँचेगा, सर्वर से 10 सेकंड लगेंगे उसको यहाँ पहुँचने में, और जैसे ही वो फ्रंट एंड पे पहुँचेगा तो फ्रंट एंड के ऊपर भी रैम को वो छत से लगा देगा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड पे रैम हमारे पास होती है 16 GB, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा फ्रंट एंड पे, लेकिन मे भी थोड़ी देर के लिए वो कुछ ऐसे अटक जाए उसके बाद। लेकिन तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली
मेरे जो स्केलेबिलिटी को ये अच्छा खासा हर्ट करेगा, मेरे स्केलेबिलिटी को। अच्छा फिर इसी तरह ये रिक्वेस्ट अगर 200-300 यूज़र ने एक साथ इस तरह की रिक्वेस्ट मार दी अगर, तो बस गया फिर आपका, सही है। अच्छा फिर आपका सर्वर जो है वो क्या करेगा, सर्वर किस किस्म का लगा हुआ है डिपेंडिंग ऑन दैट सर्वर आपका क्रैश हो जाएगा। अगर तो आपका कोई लैम्डा फंक्शन वगैरह टाइप की चीज़ है जो शॉर्ट लिव्ड है, तो वो तो बिल चढ़ाता रहेगा आपका, वो क्रैश नहीं होगा, वो बिल चढ़ाता रहेगा। अगर आपका जो ये वाला है एक्सप्रेस का सर्वर और गूगल ऐप इंजन पे डिप्लॉय हुआ हुआ है, तो गूगल ऐप इंजन में 512 MB की रैम हम जो चला रहे हैं, फ्री वाला जो हम चला रहे हैं वो 512 MB रैम है। तो जैसे ही वो 512 MB कंजम्पशन बढ़ेगी ना, तो वो ईमेल मारता है आपको कि भाई आपकी रिसोर्सेज फुल हो गई हैं, और वो 100-150 MB आगे तक उसको पुश करता है, उसके बाद वो क्रैश कर देता है, उसके बाद बोलता है भाई ओवरफ्लो हो गया। अगर तो आपका लगा हुआ EC2 का इंस्टेंस, वो भी क्रैश हो जाएगा, उसमें तो कोई ईमेल भी नहीं आती, वो जैसे ही ऊपर लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और समझ नहीं आएगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लिमिट ना लगाने की वजह से बड़ा मसला हो सकता है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी मेरा काम, ज़बरदस्त बेहतरीन। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस सारे को सेव कर देता हूँ, इस ऐप को मैं चला लेता हूँ। नाइन लॉग इन साइन अप npm run dev मैंने यहाँ चला दिया इस ऐप को रन करने के लिए, और cd web में जाके मैंने npm start चला दिया। अच्छा जी, मेरा यूज़र मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है ये था abc@abc, ठीक है जी। ये मैं क्या हो गया, लॉगिन हो गया यहाँ पे। अच्छा, लॉगिन होने की सूरत में मुझे यहाँ पे पोस्ट नज़र आ जाती थी तमाम की तमाम, लेकिन अब की बार शायद वो एरर कर दिया उसने। /api/v1/profile, इसमें क्या मसला हो गया यार, ये तो सही था। स्लैश प्रोफाइल को मैंने क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। स्लैश प्रोफाइल सही तो है, गेट है ना, गेट है स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट, अच्छा इसको यहाँ पे कुछ मसला हो गया, इसको यहाँ पे कोई मसला हो गया। अंडर स्कोर आईडी इसको मिली तो है सही, अब क्या मसला है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, रीडिंग इज एडमिन। अच्छा, इज एडमिन कहीं पे मैंने लगाया हुआ है, तो वहाँ पे ये इसको ब्रेक हो गया ये, क्योंकि वो पुराने क्रिएट हुए हुए जो यूज़र है उसमें इज एडमिन ना ट्रू था ना फॉल्स था। तो ये कहाँ पे इज एडमिन लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पे इज एडमिन लगाया हुआ है। इन सब में क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं, सही है, नलिश ऑपरेटर। अच्छा दोबारा आगे हिट करते हैं इसको, अब यूज़र अभी भी नहीं आया, लेकिन ये क्या चक्कर हुआ है। स्लैश प्रोफाइल हिट हो गई और डेटा आ गया, डेटा ज़ीरो, ये क्या चक्कर है। अच्छा लॉगिन, लॉग आउट कैसे हो गया, अभी तो किया था लॉगिन मैंने इसको। अच्छा वो असल में लॉगिन तो किया, लेकिन क्योंकि प्रोफाइल आके कॉन्टेक्स्ट में सेव नहीं हुई ना, तो इसलिए वो उसको पता नहीं लगा। अच्छा भाई, अब जो स्लैश प्रोफाइल आई है वो क्या हो गया है, ये लॉगिन के अगेंस्ट मुझे डेटा तो मिल गया है यहाँ पे। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो प्रोफाइल गेट होती है, वो प्रोफाइल अगर गेट होगी तो ये खड़ा रहेगा, वरना ये वापस लॉगिन के पेज पे मूव कर जाएगा। सही है, ऐसा ही हमने बनाया था लास्ट इसको। यार प्रोफाइल में डेटा ना ला रहा है, ये क्या चक्कर है, प्रोफाइल में रख के क्या भेजा है यहाँ पे, स्लैश प्रोफाइल भेजा है सिर्फ और गेट की रिक्वेस्ट है। एक काम करता हूँ, इसका टोकन यहाँ से उड़ाऊँ पहले तो, मैं असल में पुराना टोकन पड़ा हुआ है ना, तो उसके अंदर वो नहीं है, अंडर स्कोर आई डी नहीं है उसके अंदर, तो टोकन पहले तो उड़ा दूँ इसका मैं, और अब मैं इसको क्या करूँ, नए सिरे से लॉग इन करूँ। ठीक है, नए सिरे से मैंने लॉग इन किया इसको, अब इसको कट मारता हूँ मैं, अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या चक्कर है यार।
प्रोफाइल तो फैच हो जा रहा है लेकिन उसमें डेटा नहीं आ रहा। गेट प्रोफाइल में ऐसा क्या कर दिया मैंने, गेट प्रोफाइल हिट हुआ, यूज़र है इसके अंदर ये वाला मिलना चाहिए ऑब्वियसली। एक काम करते हैं छोटा छोटा कॉन्सोल लगा लेते हैं इसके ऊपर हम, यूज़र आईडी का एक कॉन्सोल लगा दिया मैंने, सही है। अब आके हिट करते हैं दोबारा इसको, यूज़र आईडी तो इसको मिल रही है, नहीं वो पड़ा हुआ है ना, ये रहा, ये एप्लीकेशन में ये पड़ा हुआ है ना, टोकन, टोकन पड़ा हुआ है। अच्छा टोकन को भी ज़रा एक दफ़ा प्लेग्राउंड पे ले जाते हैं कि इसमें वो पेलोड सही तरह मेरा आ भी है कि नहीं आ गया। समटाइम ऐसा होता है ना पेलोड ही सही नहीं आया, वो होता सही है, पेलोड में तो सही आ गया, अंडर स्कोर आईडी बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है। इस एडमिन लेकिन इसमें नहीं आया, ये क्या चक्कर है? अच्छा क्योंकि यूज़र में इस एडमिन मौजूद नहीं था तो इसलिए नहीं आया, ठीक है कोई मसला नहीं है। हाँ जो चीज़ अनडिफाइन होती है वो नहीं आती, सही है। अब ये यूज़र आईडी इसको देते हैं तो उसको पता क्यों नहीं लगता? रिजल्ट में नल आ जाता है, रिजल्ट में क्या आ जाता है, नल। ओके मुझे समझ आ गया क्या चक्कर है। असल में मोंगो डीबी के अंदर क्या होता है, ये अंडर स्कोर आई डी के अगेंस्ट जब मैं देता हूँ ना तो प्लेन स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होता, ऑब्जेक्ट आई डी करके देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है मुझे? ऑब्जेक्ट आई डी और ऐसे करके इसको रैप करना पड़ता है, ये मसला था। न्यू भी लगता है, चलो न्यू भी लगा देते हैं। अब ज़रा हिट करके देखते हैं क्या रिपोर्ट है। अच्छा नेटवर्क 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 क्लियर, अब आ गया डेटा, आ गया प्रोफाइल में, सही है। प्रॉब्लम ये थी कि वो प्लेन स्ट्रिंग में अंडरस्कोर आईडी उसको पता नहीं लग रही थी। एरर तो देना चाहिए यार, बंदा एरर नहीं दे रहा यार, नल दे दे रहा सीधा। वेल तो मुझे पता लग गया, ये कंसोल में हटा देता हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी ये मेरी प्रोफाइल गेट होना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, अगर स्लैश करके किसी और की प्रोफाइल का लिंक भी दूंगा साथ में, मैं यहाँ पे स्लैश करके किसी बंदे का मैं यूआरएल वो दूंगा अंडरस्कोर आईडी, तो फिर उसकी प्रोफाइल गेट हो रही होगी, ठीक है। अभी मेरी गेट हो रही है। अच्छा अभी मैंने किसी और की प्रोफाइल गेट करनी नहीं है फिलहाल। अच्छा दूसरी चीज़ मेरे पास क्या थी, पोस्ट। अब पोस्ट में अभी क्या आ जाता है, एम्प्टी एरे आ जाता है, ठीक है। एम्प्टी एरे आने का रीज़न शायद ये है कि मैंने इस प्रोफाइल से कोई पोस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर क्योंकि मैंने जो सेटअप यहाँ पे किया हुआ है वो मैंने ये किया हुआ है कि अगर स्लैश पोस्ट कोई बंदा हिट करता है तो या तो वो क्वेरी के अंदर कोई आईडी डालेगा तो उसका हिट हो रहा आ रहा होगा, या तो वो जो बंदा लॉगिन है उसका आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वक्त जो बंदा लॉगिन है उसका आ रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मैंने क्वेरी में तो कुछ नहीं लिख के भेजा, खाली है। अच्छा जो बंदा लॉगिन है उसने अभी तक कोई पोस्ट नहीं की हुई, ठीक है। तो आ जाओ कर देते हैं इस बंदे के नाम से एक पोस्ट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं क्या करता हूँ, पब्लिश। अच्छा ये 401 क्यों हो गया भाई, इनवैलिड टोकन। 401 किस खुशी में हो गया, ये कुकीज़ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नल। अच्छा मैं समझ गया क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि फ्रंट एंड से शायद मैंने क्रेडेंशियल ट्रू नहीं लगाया हुआ उस पर, ठीक है। आके चेक कर लेते हैं क्या रिपोर्ट है। अब मैं फ्रंट एंड के ऊपर चलता हूँ अपने पोस्ट डॉट जे एस एक्स के ऊपर, होम पेज पे था, किस पे था, होम पे था आई थिंक, इस पे चलता हूँ मैं। और ये गेट ऑल पोस्ट में जो है यार विद क्रेडेंशियल ट्रू लगा हुआ तो है, विद क्रेडेंशियल ट्रू लगा हुआ तो है, अब क्या मसला है। आगे ज़रा पोस्ट डॉट एम जे एस को देख लेते हैं कि पोस्ट को मैं किस तरह से गेट करता हूँ। ओके यहाँ पे भी वही वाला मसला है, प्लेन स्ट्रिंग मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्योंकि अंडर स्कोर आई डी है, इसको मुझे न्यू और ऑब्जेक्ट आई डी करके देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही गड़बड़ की हुई थी। अब आ जाते हैं दोबारा से पोस्ट हिट करते हैं, क्या सीन है, अब क्या मसला है। ये तो गेट पोस्ट वाला था ना, अच्छा ये तो चलो था ही मिस्टेक। अभी पोस्ट वाले में इशू आ रहा है, पोस्ट करने में मसला आ रहा है। पोस्ट वाले पे देखते हैं क्या किया हुआ है मैंने, पोस्ट वाले पे मैंने
पोस्ट वाले पे मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया हुआ, टेक्स्ट है और टाइटल है स्लैश पोस्ट स्लैश पोस्ट। क्या हिट करता हूँ मैं यहाँ से, स्लैश एपीआई स्लैश पीवन स्लैश पोस्ट और मेथड है पोस्ट का, सही है पोस्ट का मेथड है ये, स्लैश पोस्ट आ गया ठीक है। इसमें टेक्स्ट और टाइटल है, असल में ये 401 हिट हो रहा है, एक्चुअली 401 हिट हो रहा है, इसका मतलब है कि 401 एक ही जगह से हिट होता है, बैरियर से, बैरियर से इसको आगे नहीं जाने दे रहा ये। अच्छा तो मैं अपनी रिक्वेस्ट के अंदर ना ये देख लेता हूँ कि ये टोकन सही तरह ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो शो हो रहा होता है कि वो टोकन सही तरह लेके गया है कि नहीं गया। कहाँ पे दिख रहा होता है ये, अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। वेल कुकीज़ में मुझे नल मिल रहा है, कुकीज़ में नल मिलने का मतलब ये होता है कि टोकन जा ही नहीं रहा फ्रंट एंड से। मैं दोबारा अपने फ्रंट एंड के ऊपर आके चेक करता हूँ कि क्या चक्कर है ये। गेट ऑल पोस्ट, अच्छा ये गेट ऑल पोस्ट है ना, पोस्ट करने वाला का सबमिट हैंडलर, सबमिट हैंडलर एक्चुअली इसको पोस्ट कर रहा होता है ना। ओके गॉट इट, इसके अंदर नहीं है क्रेडेंशियल ट्रू लगा हुआ। अच्छा ये क्रेडेंशियल ट्रू ये का ये चक्कर हर जगह पे आ रहा है अभी, तो हमने एक बार डिस्कस की थी कि हम पे हम एक्सियोस का इंटरसेप्टर कन्फिगर कर लेंगे जो हर जाने और आने वाली पोस्ट को देखेगा। तो अब ये बजाय इसके अंदर मैं क्रेडेंशियल ट्रू लगाने के, मैं क्या कर लेता हूँ एक्सियोस का इंटरसेप्टर कन्फिगर कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है। तो अच्छा ये कहाँ पे करूँगा मैं, ये मैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर करूँगा और ऐसी जगह पे करूँगा जो हमेशा चल जाए हर दफ़ा, ठीक है, यानी ऐप लोड होते ही वो रजिस्टर हो जाए। वो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, इवेंट रजिस्टर कर रहे होते हैं कि जी जब ये काम होना तो आपने चलना है, तो वो जब तक रजिस्टर नहीं होगा वो जब तक काम नहीं करेगा। तो मुझे अपने ऐप में ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे क्या हो कि ऐप चलते ही वो रजिस्टर हो जाए और वो अनलोड ना हो, और वो है मेरा ऐप डॉट जे एस एक्स की फाइल। ऐप डॉट जे एस एक्स की फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, एक अदद यूज़ इफेक्ट लगा लूँगा, चुन्ना मुन्ना सा, सही है, एक यूज़ इफेक्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं। और इस यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक्सियोस का इंटरसेप्टर मैंने एक्चुअली यहाँ पे अब लगाना है। ओ क्या कर रहा हूँ मैं, ये चलती हुई चीज़ को छेड़ रहा हूँ, सही है। अच्छा ये मेरा क्या हो गया, एक अदद यहाँ पे यूज़ इफेक्ट बन गया। अब ये यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, ये जैसे ही मेरी ऐप लोड होगी वैसे ही चल जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि यार एक्सियोस इंटरसेप्टर, ये आ गया जी इंटरसेप्टर का इनका डॉक्यूमेंट, और इन्होंने बोला है कि यार आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों पे इंटरसेप्टर लगा सकते हो। मैंने कहा फिलहाल मुझे रिक्वेस्ट के ऊपर इंटरसेप्टर चाहिए, ठीक है, इंटरसेप्टर मैंने रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया। अच्छा अब ये ना सिर्फ रजिस्टर हो गया बल्कि अब जो भी रिक्वेस्ट मेरे ऐप से निकलेगी वो ये फंक्शन पहले चलेगा उसके, सही है। तो इसके अंदर जो कॉन्फिग है ना, इस कॉन्फिग को अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ तो मुझे क्या दिख जाना चाहिए, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन दिख जानी चाहिए जो ये रिक्वेस्ट अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है, ये सारी की सारी कॉन्फिग मुझे यहाँ दिख जानी चाहिए। तो अब आते हैं ज़रा और आके ज़रा कोई एपीआई हिट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से अपने फ्रंट एंड से। ये मेरा फ्रंट एंड है जी। अब जब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एक एपीआई हिट होती है मेरे पास, वो कौन सी है, प्रोफाइल गेट करने वाली और पोस्ट गेट करने वाली, दो एपीआई फौरन हिट हो जाती है। तो मैं ज़रा अपने कॉन्सोल पे आता हूँ और कॉन्सोल पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो कॉन्फिग सारा का सारा मुझे है ना प्रिंट हो रहा है, वो जितनी दफ़ा भी हिट होता है ना वो कॉन्फिग प्रिंट होता है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे रिक्वेस्ट के अंदर जो मौजूद डेटा है वो भी मिल रहा है, ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट का यूआरएल भी मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इस कॉन्फिग के अंदर यहाँ पे मैं क्या बोल दूँगा कि भाई कॉन्फिग डॉट विथ क्रेडेंशियल्स इक्वल्स ट्रू, और ये बोल के मैं इस कॉन्फिग को ऐसे ही फिर रिटर्न कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे ऐप से निकल रही है बाई डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर कॉन्फिग ये ट्रू लग जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे कंडीशन वगैरह भी लगा सकता था कि भाई इस पर चेक करो कि अगर रिक्वेस्ट के आगे ये लिखा हुआ है या रिक्वेस्ट के साथ ये लिखा हुआ है या कुछ फला सिचुएशन है तो इस पर ये ट्रू लगाओ वरना इस पर, मतलब ये मैं सारी कंडीशन यहाँ लिख सकता था, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मुझे
तमाम की तमाम रिक्वेस्ट के ऊपर विद क्रेडेंशियल ट्रू लगाना ही लगाना है, जो कि मैं अक्सर भूल जा रहा हूँ, जो कि पहले की लिखी हुई रिक्वेस्ट थी उसमें मैंने ये नहीं लगाया हुआ था, वो एरर दे दी थी मुझे। यहाँ पे आता हूँ वापस मैं, अब क्या होगा जो पोस्ट मेरे गेट होने पे जो फेल हो रहा था, अब वो फेल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ डेटा आएगा। जाके देखता हूँ मैं नेटवर्क के टैब में, नेटवर्क के टैब में मैं जाके देखता हूँ, तो पोस्ट के अंदर जो पहले 401 आ जाता था ना, अब वहाँ पर खाली आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह पोस्ट पब्लिश करने वाले पे भी ये मसला था। अब पोस्ट पब्लिश करने वाले पे मैं ज़रा पोस्ट पब्लिश करके देखता हूँ क्या रिपोर्ट है। ठीक है, पोस्ट पब्लिश हो गई। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे 200 हो गया, 200 मतलब पब्लिश हो गई। पहले इसके ऊपर मसला था, अब वो मसला हल हो गया। अच्छा, फिर पोस्ट जो गेट हुई है उसमें क्यों कुछ नहीं आया यार, ये क्या सीन है? पोस्ट जब पब्लिश हो गई तो गेट क्यों नहीं हुई फिर? अच्छा, पोस्ट जो पब्लिश हुई है उसके अंदर मेरे पास ईमेल भी लिखा हुआ है उस पोस्ट में, और आईडी भी लिखी हुई है। अब चल के ज़रा हम मोंगो डीबी के अंदर देख लेते हैं कि आया कि ये जो पोस्ट मैंने पब्लिश की है मोंगो डीबी तक पहुंच भी गई है कि नहीं पहुंच गई। मोंगो डीबी का क्या यूआरएल था मेरे, मैंने अलग फाइल बनाई थी ना मोंगो डीबी की, ये रहा मोंगो डीबी। क्या सीन है, अच्छा मेरा क्रेड डीबी है, ये आ गया पोस्ट्स। अच्छा जी, मेरे पास ये क्रेड डी बी है ना, पोस्ट डॉट एम जी एस में टॉप पे चल के देखते हैं। हाँ, क्रेड डी बी है और पोस्ट के नाम से कलेक्शन है। तो पोस्ट के नाम से जो कलेक्शन है उसमें मुझे कोई नई पोस्ट नज़र नहीं आ रही है अभी। वाई कॉफ़ी मैटर्स ही एक लास्ट पोस्ट है जो कि बहुत पुरानी पोस्ट है मेरे पास। अच्छा नहीं, ये आ गया ना, abc.com आ गया भाई, ये abc@abc.com ये आ चुका है। अच्छा, अब एक चक्कर है, एक चक्कर ये है कि मैंने जो पोस्ट को जब क्रिएट किया ना, और क्रिएट करते वक्त मैंने जो ऑथर आईडी रखवाई है वो मैंने रखवा दिया प्लेन स्ट्रिंग। ये भी मैंने एक मिस्टेक, मतलब गेट करते हुए भी मैंने प्लेन रखवा दिया था और पोस्ट करते हुए भी मैंने प्लेन रखवा दिया। हालांकि इसको इस तरह का दिखना चाहिए था, जैसे ये यहाँ दिख रहा है ना ऐसा अंडरस्कोर आईडी, जो इस तरह से दिखना चाहिए, तो यहाँ पे भी इसको ऐसा दिखना चाहिए था। अब क्योंकि ये प्लेन स्ट्रिंग में सेव हो गया गलती से, तो इस वजह से वो मसला कर रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ प्लेन स्ट्रिंग, और गेट करते हुए भी प्लेन स्ट्रिंग कर दूँ, तो ये गेट हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना, ऐसा इसलिए नहीं करना कि ऐसा करने की वजह से एक फीचर होता है मोंगो डीबी में, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, वो मिस कर जाएंगे। ठीक है, ये वैसे तो गेट हो जाएगा आईडी से, लेकिन पॉपुलेशन वाला जो फीचर है वो हम गेट मिस कर जाएंगे। दूसरा, ये जो अंडरस्कोर आईडी से जो सर्च मेरा ज़रा तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, अगर मैं उस पर इंडेक्सिंग लगा दूँ तो फिर इंडेक्सिंग इस पर मैं लगा नहीं पाऊँगा, है ना। या तो स्ट्रिंग वाला इंडेक्सिंग फिर इस्तेमाल करूँ मैं, तो अंडरस्कोर आईडी वाला जो इंडेक्सिंग है ना उससे भी मैं मिस हो जाऊँगा। तो मुझे चाहिए कि मैं क्या करूँ, जहाँ पे पोस्ट क्रिएट होती है वहाँ पे भी जाके क्या करूँ, इसको मैं अंडरस्कोर आईडी वाले को प्रॉपर बना के मैं रखूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सीधा सीधा रखवा दिया, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट आईडी करके रखवाऊँगा। सही है, अब हुआ ये सही। तो इसका मतलब है कि इस पोस्ट को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और डिलीट करने के बाद एक नई पोस्ट यहाँ पे से आगे क्रिएट करता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि आया कि वो सही तरह पोस्ट हो रहा है जिस तरह हम चाहते हैं या नहीं हो रहा है। पोस्ट, ठीक है, पोस्ट क्रिएटेड। अच्छा, आके देख लेते हैं जी पोस्ट क्रिएटेड हो गया कि नहीं हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको कंट्रोल आर से, और जब मैं लास्ट में आके देखता हूँ तो जी अब मेरे पास ऑथर आईडी बिल्कुल सही आ रही है, अब मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट ऑथर आईडी आ रही है जैसी आनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो गेट करने वाला पोस्ट वाला है, क्योंकि गेट तो अभी भी नहीं हुआ है, गेट में अभी भी खाली आ रहा है, तो ज़रा गेट वाले को देख लेता हूँ कि गेट में भी कोई मैंने मसला किया हुआ है क्या। सही है, स्लैश पोस्ट, ये वाली रिक्वेस्ट हिट होती है ना गेट के ऊपर, तो यहाँ पे इसको जो है वो यूज़र आईडी मिलती है, और अच्छा अंडरस्कोर आईडी से थोड़ी गेट होगा ये,
इसमें तो नाम पोस्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑथर लिखा हुआ है ना, ऑथर आईडी, तो ऑथर आईडी करके मैं गेट करूँगा ना, अंडर स्कोर आईडी करके थोड़ी गेट करूँगा। मैं बोलूँगा ऐसी पोस्ट लाओ जिसकी ऑथर आईडी क्या हो, वो ये वाली हो जो मैं दे रहा हूँ अभी, वो सारी पोस्ट लेकर आओ। तो अब गलती पकड़ में आ गई। अच्छा, और प्रोजेक्शन के अंदर मैंने बोला कि यार सॉरी, सॉल्ट के अंदर मैंने बोला कि इसको क्या कर दो आप, सॉल्ट कर दो, किससे, अंडर स्कोर आईडी से सॉल्ट कर दो जो भी इसकी अंडर स्कोर आईडी है, ठीक है। और लिमिट लगा दिया मैं यहाँ पे, प्रोजेक्शन वगैरह भी लगा सकता हूँ कि यार इस पोस्ट में सिर्फ टेक्स्ट और टाइटल लाओ, कोई और चीज़ मत लाओ, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अब पोस्ट अब तो आ जानी चाहिए, आ गई पोस्ट मेरी, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ से मज़ीद कुछ ना कुछ पोस्ट कर देता हूँ, सही है। मैंने दो पोस्ट कर दी यहाँ पर। अच्छा, ये दो पोस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इससे लॉग आउट हो जाऊँगा इस अकाउंट से, और मैं किसी दूसरे अकाउंट से जब मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट से, कौन से मैं लॉगिन करता हूँ, abc@abc से मैं लॉगिन था ना, अब abc@gmail से लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है, ये एक दूसरे अकाउंट से। अच्छा, इनकरेक्ट पासवर्ड, फिर admin@abc है, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है, ये एक दूसरा अकाउंट है। अब यहाँ से जब मैं लॉगिन होता हूँ तो मुझे वो वाली पोस्ट नज़र नहीं आती, लेकिन अब मैं यहाँ से जब कोई पोस्ट करूँगा, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, खाली आ रही है। अब मैं यहाँ से जब कोई पोस्ट करूँगा कि दिस इज फर्स्ट एडमिन पोस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं एडमिन से, एडमिन के अकाउंट से कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, और मैं पोस्ट करता हूँ तो ये पोस्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कि सेकंड एडमिन पोस्ट, और इसको मैंने पोस्ट किया तो ये यहाँ आ गई। अब ये वाली पोस्ट किसको दिखेगी, ये सिर्फ इस यूज़र को दिखेगी जो इस वक्त लॉगिन है, अभी करंट सेटअप के मुताबिक सिर्फ इस यूज़र को दिखेगी जो लॉगिन है इस वक्त, ठीक है, किसी और को ये नहीं दिखेगी। अच्छा, जब मैं अब लॉगआउट हो जाता हूँ यहाँ से, और लॉगआउट होकर मैं वापस abc@abc पे आ जाता हूँ जब, तो मुझे वही पोस्ट दोबारा नज़र आने लगती। तो मैंने क्या कर लिया इस वक्त, मैंने जो लास्ट लॉगिन साइनअप की API बना के और टोकन अटैच किया था, मैंने अपने पूरे सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट को उस टोकन के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस टोकन के अंदर जो भी बात लिखी हुई है ना, वो एसोसिएट हो जाएगी, एक नई पोस्ट क्रिएट होती है जब, या कोई पोस्ट गेट करता है बंदा, तो उन तमाम चीज़ों के साथ क्या हो जाएगा, इसकी एसोसिएशन मैंने बना दी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक अदद और पेज बनाना है, जिसके ऊपर मैं क्या करूँगा, तमाम लोगों की पोस्ट दिखाने का कोई इंतज़ाम करूँगा, और तमाम लोगों की पोस्ट ना सिर्फ दिखाऊँगा मैं, बल्कि उसके ऊपर मे बी कॉमेंट्स वगैरह भी करने का ऑप्शन रखा जाए, या मे बी उसको लाइक करने का भी ऑप्शन रखा जाए। तो जो लाइक का बटन प्रेस करता है बंदा, एक रिक्वेस्ट हिट होगी, और उस बंदे की आईडी उसके अंदर जा रही है उस रिक्वेस्ट में, तो मैं उस पोस्ट के अंदर ये रिकॉर्ड करूँगा कि किस बंदे ने इसको लाइक कर दिया, ठीक है, किस बंदे ने इस पोस्ट को लाइक कर दिया, और फिर लाइक पे हाथ रखूँगा जब मैं, तो उन बंदों के नाम नज़र आने चाहिए, है ना, यही है ना मेरा अगला स्टेप, यही है एक्चुअली, ठीक है, और बहुत ऑब्वियस है, क्या ये करके दिखाने की ज़रूरत है, खुद से कर लोगे ना ये काम। तो आ जाते हैं जी अब हम। अच्छा, अब आके फ्रंट एंड के ऊपर मैं एक और पेज बना लेता हूं, लेकिन एक और पेज बनाने से पहले जो फीड की API है ना मेरी, जो मेरी फीड की API है, इसको मैं जरा सा पॉपुलेट कर लेता हूं। अच्छा, एक्चुअली अभी मैं कोई फीड की API बनाने नहीं वाला, ठीक है, अभी मैं यही करूंगा कि यार तमाम की तमाम पोस्ट उसमें गेट करके सीधा सीधा ला के खड़ा कर दूं, सही है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यार तमाम की तमाम पोस्ट ना इसके अंदर आप सीधा सीधा लाके क्या कर दो, यहाँ पे खड़ा कर दो, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई कलेक्शन डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा भाई एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मैं कहूँगा सब ले आओ यार, जो है आपको मिलता है सब ले आओ, सॉर्ट करो उसको अंडर उसको आईडी से, ठीक है, और 100 की लिमिट लगा दी है मैंने। अभी 100 की लिमिट अगेन अभी पेजिनेशन हम जब देखेंगे तो हम फिर कवर कर लेंगे इस पर, मे बी हम फीड वाले पेज पे ना पेजिनेशन को भी हम कवर करते हैं अभी फीड के पेज पे जाके। अब ये छोटी छोटी नीटी ग्रिटी चीज़ें जो हम आहिस्ता आहिस्ता अब कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बस ये आज की क्लास में हम इसी तरह के रैंडम टॉपिक्स जो हमारे सामने अब ज़रूरत के तहत जो आते जा रहे हैं, हम उनको एक एक करके कवर करते जाएंगे, और अल्टीमेटली हम बढ़ेंगे एक मुकम्मल सोशल मीडिया ऐप बनाने की तरफ। ये हो गया जी, मैंने कहा भाई इसको एरे में बनाओ, इसको रिजल्ट्स बनाओ, और ये फीड की API मेरी क्या हो गई, बन के तैयार हो गई, ठीक है। इसके दरमियान में यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते थे कि जो रिक्वेस्ट आई है ये इस बंदे के, अभी तो हमने साइनअप करते हुए लोकेशन नहीं ली ना बंदे की, ना बाद में कभी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सोशल मीडिया क्या करता है, कभी ना कभी आपसे वो आपकी लोकेशन लेता है, आपसे फ़ोन नंबर मांगता है तो फ़ोन नंबर से उसको पता लग जाता है ये पाकिस्तानी फ़ोन नंबर है ना, या आपकी ईमेल जो होती है उससे भी समटाइम उसको पता लग जाता है कि, क्योंकि जीमेल से वो पूछ लेता है, पता लग जाता है उसको उससे, तो सम हाउ कभी ना कभी वो आपसे
आपसे पूछ लेता है कि यार कौन सी कंट्री के आप बंदे हो, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है एक्चुअली, तो उसको वो शामिल करता है आपकी पोस्ट। फिर आईपी आपकी इस वक्त कहाँ की है ना। आईपी तो पता लगाना बड़ा आसान है, आईपी भी जैसे फ़ोन नंबर होता है इसी तरह आईपी भी होता है कि जी 192 से अगर आईपी है आपकी तो उसका मतलब है वो पाकिस्तान की आईपी है ना, मतलब एग्जैक्टली नहीं जैसे एक बात कह रहा हूँ। तो आईपी इज़ डिवाइडेड है, वो आईपी देख के ही पता लग जाता है कि कहाँ की, कौन से मुल्क की आईपी है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दरमियान में वो गेट करता है और उस बेसिस के ऊपर आपको एक सर्टन सेट ऑफ पोस्ट उठाता है और उसमें से आपको पोस्ट दिखा रहा होता है, पूरे ओवरऑल पोस्ट में से आपको वो नहीं दिखा रहा होता। फिर वेटेज होता है, अब वो जो चंक उसने उठाया है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, अब उस चंक में से आपको पहले कौन सा दिखाया है वो वेटेज के हिसाब से दिखाता है कि किसका वेटेज ज़्यादा है। जो वायरल पोस्ट्स होती हैं जिस पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं तो वो वेटेज के हिसाब से उसको सॉर्ट मारता है और उसमें से एक एक करके वो आपको ऊपर नीचे करके थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रहा होता है। अच्छा जी, अब क्या ख्याल है, अब हम चलते हैं और एक पेज बना लेते हैं यहाँ पे। जो मेरे पास होम का एक पेज था जिसके ऊपर मैं ये सारा काम कर रहा था, और अब मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक अदद फीड का पेज बना लेता हूँ ना। एक्चुअली होम पेज पे ही आ रही होती है फीड, हमने तो लेकिन गड़बड़ कर दी है, हमने होम पेज के ऊपर वो कुछ और चला दिया है ना, हमने होम पेज के ऊपर कुछ और बना दिया। मुझे एक्चुअली करना ये है कि मेरा जो होम पेज है ना उसके ऊपर मुझे दिखाना है फीड, और ये सारा आइटम मुझे मूव कराना है प्रोफाइल के पेज के ऊपर। होम पेज पे तो मुझे फीड दिखानी है बंदे की, सही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली जगह पे फीड की एपीआई लगा देता हूँ और मैं प्रोफाइल की एपीआई, प्रोफाइल का पेज अलग से बना लेता हूँ, इसको मैं फीड बना देता हूँ, सही है। तो जस्ट मुझे कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं ऐप पे गया और मैं होम पे गया, होम पे जाके यहाँ पे जो मैं गेट करने वाला आइटम है ना, गेट ऑल पोस्ट जो है, इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, स्लैश पोस्ट की जगह स्लैश फीड कर देता हूँ, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे फीड आने लग जाएगी, ठीक है। फीड का मतलब है सारी पोस्ट आ गई यहाँ पे मेरे पास अब, ठीक है। और मैं प्रोफाइल का एक अलग से बना लेता हूँ जिसमें सिर्फ इस बंदे की पोस्ट इसको नज़र आए। आ जाते हैं जी हम, और एक मैं नई यहाँ पे इस पेजेस के फोल्डर में एक नया पेज बना लेता हूँ जो कि इसी होम वाले पेज का एक क्लोन होगा, एक कॉपी होगी ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होम में और इसमें सिमिलर हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ कि जी प्रोफाइल, और मैं कहता हूँ कि जी प्रोफाइल डॉट सी एस एस, ठीक है जी, और प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स, ठीक है जी। अच्छा, बेस यूआरएल को भी हमने स्ट्रीमलाइन कर लिया था लास्ट, ये कोर करके एक है वहाँ से उठ के आ रहा है मेरे पास ये बेस यूआरएल। अच्छा, इस बेस यूआरएल को मैं कॉन्टेक्स एपीआई में भी रखवा सकता हूँ बाय द वे, ठीक है। एक ही बात है, कॉन्टेक्स एपीआई में भी रखवाऊंगा तो वहाँ से भी मुझे मिल रहा होगा। कॉन्टेक्स एपीआई में वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी ना, सही है जी। अच्छा, तो ये मेरा प्रोफाइल का पेज बन गया एक्चुअली, सही है। अच्छा, प्रोफाइल के पेज के ऊपर मुझे अब क्या दिखाना है, यहाँ पे जो गेट ऑल पोस्ट है इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पोस्ट, सही है, कि भाई इसी बंदे की पोस्ट दिखे, किसी और की ना दिखे। और मुझे क्या करना है इस प्रोफाइल पेज के ऊपर, इस प्रोफाइल पेज के ऊपर एक्चुअली मैं एक फॉर्म भी बनाऊँगा जिसमें ये पोस्ट भी कर सके, लेकिन उस फॉर्म से भी पहले, ठीक है, उस फॉर्म से भी पहले। अच्छा, सर्च इसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए, प्रोफाइल पेज के ऊपर मुझे सर्च नहीं चाहिए, ठीक है। सर्च का फंक्शन भी मैंने हटा दिया, और ये सर्च का जो फॉर्म है मेरे पास इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये है ना सर्च का फॉर्म मेरे पास, नहीं, नॉट दिस वन, सर्च का फॉर्म ये है मेरे पास, इस फॉर्म को हटा देता हूँ, मुझे सर्च की कोई फंक्शनैलिटी इस पर नहीं चाहिए। इसमें बस उसकी खुद की पोस्ट है, वो स्क्रॉल कर करके देखता रहेगा। वैसे होना चाहिए दोनों जगह पर, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं चाहता। अच्छा, ये आ गई जी तमाम की तमाम पोस्ट जो उसकी खुद की पोस्ट है,
अच्छा, लेकिन इस फॉर्म से पहले, ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बैनर सा ना इसको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि प्रोफाइल पेज पे आमतौर पे दिखाते हैं सोशल मीडिया ऐप्स में कि जी एक बैनर सा हो, तो मैं इसको ये बोल देता हूँ कि यार डिव है, और इसमें मैं क्लास नेम लगा देता हूँ कि जी बैनर, ठीक है, और इस बैनर के अंदर मैं एक अदद इमेज मुझे चाहिए होगी, तो मैं कौन सी इमेज लगा दूँ इसमें, चलो इमेज अभी देखते हैं क्या करना है इमेज का, एक अदद इमेज लगा देता हूँ मैं जो कि पीछे आ रही होगी मेरे पास, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ के बैनर इमेज, सही है, और उसके बाद एक और इमेज मुझे चाहिए होगी जिसको मैं कह देता हूँ कि ये होगा मेरा प्रोफाइल इमेज होगा, ठीक है, प्रोफाइल इमेज होगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एक अदद नाम आ रहा होगा उसका बड़ा सा, प्रोफाइल इमेज तो पीछे आ जाएगी बैकग्राउंड पे, उसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर और साथ में उसका नाम बन देगा, तो यहाँ पे मैं एक डिव के अंदर क्या लिख देता हूँ, उस बंदे का नाम भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ कि यार ये बंदे का जो है ना नेम है, ठीक है, प्रोफाइल नेम है ये, सही है, और इसके अंदर मैं H1 के अंदर जो है ना वो नेम प्रिंट करवा देता हूँ, सही है, प्रोफाइल नेम के नाम से मैं एक स्टेट बना लूँगा, मैं भी प्रोफाइल नेम के नाम से एक स्टेट बना के वो उसको मैं यहाँ डिस्प्ले करवा दूँगा, ठीक है, तो इस तरह का कुछ मैंने करना है CSS के ज़रिए, अभी फ़िलहाल आई एम नॉट श्योर कि अभी हमें कर लेना चाहिए कि नहीं हमें, लेकिन इस तरह का कुछ ना कुछ अभी करना है थोड़ी देर में। ठीक है जी, मैंने कहा जी प्रोफाइल नेम होगा यहाँ पे, और इसको मैं बोल देता हूँ कि यार यूज स्टेट, शुरू में जो है ये नल होगा एक्चुअली, सही है, ओ नहीं एक्चुअली प्रोफाइल नेम तो मेरे पास वहाँ पे है ना उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, तो मुझे अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है, मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वहीं से उठा के पेस्ट मार देता हूँ। इसमें मैंने ग्लोबल स्टेट बनाया हुआ है क्या, इसमें मैंने ग्लोबल स्टेट नहीं लिया हुआ ना, ग्लोबल स्टेट ले लेते हैं, app.jsx से आके ग्लोबल स्टेट की ये सारी चीज़ें कॉपी मारते हैं, सही है, ग्लोबल स्टेट के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट, सही है, अच्छा यूज़ कॉन्टेक्स्ट यहीं ऊपर ही ले लेते हैं, अलग से पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ से, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं आके ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को जो इम्पोर्ट किया हुआ ये कर लूँगा, ठीक है जी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है जी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्ट हो गया, और उसके बाद ऐसे अंदर आके मैं स्टेट तैयार कर लूँगा अपनी, ये काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट है जो हर दफ़ा मुझे इसी तरह करना है। अच्छा, और स्टेट डॉट करके मुझे क्या मिल रहा होगा, अब यूज़र स्टेट डॉट देख लेते हैं, स्टेट डॉट में मुझे कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है मेरे पास, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, context.js, अच्छा यूज़र है, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट लास्ट नेम होगा, ठीक है, स्टेट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, तो मैंने कहा कि जी स्टेट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम, अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने लगाया है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे ये करना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, नलिश ऑपरेटर, अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मुझे ये यूज़र अनडिफाइन होगा तो डॉट लास्ट नेम पे वो कोड ब्रेक कर देगा मेरा, तो इसलिए मैंने नलिश ऑपरेटर लगा लिया यहाँ पे। तो अब क्या होना चाहिए कि जब मैं प्रोफाइल पेज पे आऊँ, अच्छा प्रोफाइल पेज पे जाऊँगा कैसे, ऊपर नेविगेशन बार में तो है ही नहीं प्रोफाइल पेज, तो आ जाओ उधर भी लगा लेते हैं, app.jsx पे मेरी ये नेविगेशन है बनी हुई, app.jsx के ऊपर ये सारे की सारी स्क्रीन्स मेरे पास मौजूद हैं, तो मुझे यहाँ पे एक और स्क्रीन चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल पेज, ठीक है, प्रोफाइल पेज मैंने कर दिया उसको, pages/profile/profile, ठीक है, मैंने इसको होम के साथ कर दिया, होम के बाद प्रोफाइल पेज, अच्छा पहला इसका कैपिटल होगा P, क्योंकि दिस इज़ अ कंपोनेंट, तो ये प्रोफाइल पेज आ गया, अच्छा ये प्रोफाइल पेज मैंने खुलवाना किस राउट के ऊपर है, मैंने ये खुलवा देना है
स्लैश अभी हम देखते हैं किस पे खुलवाना है ये, हमें अभी हम देखते हैं हमें किस पे खुलवाना है ये। अच्छा लॉग इन ट्रू और स्टेट एडमिन, एडमिन पे भी एक्चुअली होगा ये और नॉन एडमिन पे भी होगा, दोनों पे ही होगा, लेकिन मैं पहले ज़रा नॉन एडमिन पे इसको लगा के देखता हूँ क्योंकि अभी मैं जिस यूज़र से लॉग इन हूँ दैट इज़ अ नॉन एडमिन यूज़र। सही, क्या एरर दे दिया इसने, चलो अभी देखते हैं क्या एरर है, छोड़ो। तो सबसे पहले तो नेविगेशन बार में मुझे क्या चाहिए होगा, होम के फ़ौरन बाद एक अदद प्रोफाइल चाहिए होगा, सही है प्रोफाइल, और स्लैश प्रोफाइल अभी मैं लिख रहा हूँ लेकिन एक्चुअली इसको स्लैश प्रोफाइल पे मैंने नहीं खुलवाना, इसके लिए मैंने राउट एक दूसरा सोचा हुआ है जिसके ऊपर मैंने इसको खुलवाना है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार जब स्लैश प्रोफाइल हो ना तो आप क्या कर दोगे कि आप जो है ना प्रोफाइल पेज ऐसे करके आप लगा दोगे। ठीक है जी, आते हैं अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। होम डॉट सी एस एस इन दिस प्रोफाइल पेज, अच्छा वो प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स में ना एक चीज़ इम्पोर्ट हुई हुई है दैट इज़ होम डॉट, इसको मैं प्रोफाइल कर लेता हूँ। सही है, अब क्या मसला है, पेजेस स्लैश प्रोफाइल, अच्छा कॉन्टेक्स्ट जो मैंने इम्पोर्ट किया ना प्रोफाइल पेज पे उसमें ये गलत लगा हुआ है क्योंकि इसमें एक्चुअली दो स्टेप पीछे आना पड़ेगा मुझे। अब सही हुआ ये, अच्छा जी ठीक हो गया, अब मेरे पास ऊपर प्रोफाइल का भी बटन आना शुरू हो गया, अब मैं प्रोफाइल का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मुझे प्रोफाइल पे लेके चला जाता है, ये क्या हुआ यार प्रोफाइल पे इतनी सारी पोस्ट गेट हो रही है लेकिन प्रोफाइल पे जो पोस्ट गेट हुई है अच्छा वो पोस्ट में एस नहीं लगा हुआ एक्चुअली, वो प्रोफाइल में जो पोस्ट में गेट करता हूँ ना उसमें मैं एपीआई में एस नहीं लगा हुआ, असल में तो ये एस है ना, है ना हा? क्या मतलब, नहीं वो असल में एचटीएमएल आ रहा था तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है, असल में एचटीएमएल आ रहा था ना तो उसको क्योंकि एरे में कन्वर्ट करके मैंने भेजा हुआ था तो वो शायद उसको पता नहीं कुछ एरे में कंसिडर कर ले रहा था, अब सेट हो गया ये। ठीक है, वो एस नहीं लगा हुआ था तो असल में वो यहाँ से मुझे एक एचटीएमएल भेज रहा था, ये अगर आप देखें ना तो ये मुझे कुछ इस तरह की चीज़ भेज रहा था तो इसको सम हाउ जो है ना ये क्या कर रहा था, एरे कंसिडर कर रहा था, अब क्योंकि मैंने नलिश ऑपरेटर वगैरह लगाया हुआ है तो वो रिपीट तो कर रहा था उस एरे के ऊपर लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज़, तो बटन ज़्यादा ज़्यादा सारे बने हुए आ रहे थे। अच्छा तो अब मैं अगर जाता हूँ होम पे तो मुझे सारी पोस्ट दिखती है, अब मैं जाता हूँ अगर प्रोफाइल पे तो मुझे इस बंदे की पोस्ट दिखती है। ठीक है, मुझे इस बंदे की पोस्ट नज़र आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये स्लैश प्रोफाइल का पेज किसी को भेज देता हूँ, स्लैश प्रोफाइल का पेज मैं किसी को अगर यहाँ पे से भेज देता हूँ तो क्या होगा, उस बंदे को अपनी दिख जाएगी हालांकि मेरी दिखनी चाहिए, यहाँ पे इसमें स्लैश करके ना यूज़र का नाम आना चाहिए, एक्चुअली यूज़र का नाम अगर समहाउ मैं इसमें ला सकूँ तो वो आना चाहिए। अच्छा अब नाम का सीन कुछ ऐसा है कि यार ईमेल को ना मैं ईमेल को मैं यूआरएल का पार्ट नहीं बना सकता, दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो ईमेल के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो यूआरएल में नॉट सपोर्टेड है, नहीं कर सकते ट्रिम, वो फिर यूनिक नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का है भाई, मिसाल के तौर पे saad@gmail.com है तो अगर saad@yahoo.com होगा तो वो मिक्स हो जाएगा वो तो। हाँ अगर कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो वही स्पेशल कैरेक्टर डिफरेंस है दो ईमेल के अंदर, बाकी चीज़ सेम है तो वो तो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी गड़बड़। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अंडरस्कोर आईडी को शायद इसमें रखना पड़ेगा, यूज़र नेम एक्चुअली मुझे लेना चाहिए। ठीक है, या तो अगर यूज़र नेम मैं लूँ, आइडियल केस तो ये हो कि मैं यूज़र नेम बंदे से लगवा लूँ, जैसे गिटहब लगवाता है जैसे फेसबुक लगवाता है, यूज़र नेम लगवा लूँ मैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, जो कोई ऐसी चीज़ लगा लूं फिलहाल के लिए जो मेरे पास अभी मौजूद है और वो यूनिक है, दैट इज़ अंडरस्कोर आईडी। सही है, अब मसला ये है कि ये तो एपीआई कॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग और मेरा जो फ्रंट एंड है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये दो अलग अलग राउटर्स हैं, फ्रंट एंड के राउटर का बैक एंड के राउटर से कोई ताल्लुक नहीं है।
मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास जो पेज खुलता है वो स्लैश प्रोफाइल खुलता है। ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैं जो फ्रंट एंड का जो मेरा राउटर है इसका बैक एंड के राउटर से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मेरे पास इस वक्त पेज खुला हुआ है स्लैश प्रोफाइल का, और मेरे पास जो API हिट होती है इस पेज के ऊपर वो क्या होती है, स्लैश पोस्ट है ना, स्लैश पोस्ट हिट होती है। नहीं बात समझो, मिसाल के तौर पे मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया _ID ऐसे, सही है। तो अभी ये क्या हो जाएगा कि जैसे facebook.com/ID तो उस बंदे की प्रोफाइल आ जाएगी, या slash profile slash id इस तरह है ना, इस तरह से अगर हो जाए कि जी अगर तो सिर्फ ऐसे प्रोफाइल हो तो अपना प्रोफाइल और स्लैश करके कोई आईडी हो तो किसी की आईडी। अब मसला ये है कि जब मैं ये वाली चीज़ जाके मैं अगर किसी नए टैब के अंदर इसको खोलता हूँ तो ये चीज़ किसको मिलेगी, ये मेरे फ्रंट एंड के राउटर को मिलेगी। ये मेरे क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो लोड होती है वो रिएक्ट की फ्रंट एंड एप्लीकेशन लोड होती है, रिएक्ट की फ्रंट एंड एप्लीकेशन को ये URL मिलता है, और मेरा फ्रंट एंड का जो राउटर है दैट इज़ रिएक्ट राउटर डॉम, वो डिसाइड करता है कि इस URL के अगेंस्ट कौन सा पेज दिखाना है। यही होता है ना, अच्छा इस URL के अगेंस्ट कौन सा पेज दिखाएगा, ये नहीं तो वो भी तो रिएक्ट राउटर डॉम को ही मिलेगा ना। अच्छा अभी आते हैं भाई, एक एक करके आते हैं, सही है, शायद मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। ये जो URL मैंने लिखा है अभी इसके ऊपर ये क्या दिखाएगा मुझे, सबसे पहले तो ये URL एग्जिस्ट नहीं करता मेरी ऐप में, एग्जिस्ट नहीं करता तो मैंने उस पर एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर भाई एग्जिस्ट ना करता हूँ ना तो ये एस्टेरिक पे नेविगेट मारो स्लैश के ऊपर, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नेविगेट करा देगा, या तो फिर क्या करेगा ये इतने को ट्रिम कर देगा और स्लैश प्रोफाइल दिखा देगा, दो में से कोई एक बात होगी, आई एम नॉट श्योर, चल के देखते हैं करते हैं। सही है, स्लैश पे लाके फेंक दिया इसने, ठीक है। अब मैं किसी को अगर ये API कॉपी करके देता हूँ तो उसके पास तो उसको स्लैश पे लाके फेंक देगा वो, अब इसका क्या हल है। अच्छा मैं चलो उस तरह भी करके देख लेता हूँ, अगर जो उस तरह भी नहीं होगा ये, अगर मैं इसको स्लैश प्रोफाइल के ऊपर लाके ना अगर क्वेश्चन मार्क करता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि यार ID इक्वल, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, स्लैश URL का पार्ट होना चाहिए, जो प्रोफाइल का जो ID है ना URL, लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, तो इसको भी ये मोस्ट प्रोबेबली डिस्कार्ड कर देगा, अगर डिस्कार्ड नहीं भी करेगा तो उसको कंसिडर नहीं करेगा ये। मैंने हिट किया, अच्छा डिस्कार्ड तो इसने खैर नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसके साथ कुछ और भी ऐसी बात लिखूं जो एग्जिस्ट नहीं करता फिर ये क्या करेगा, फिर ये उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड उसको ना करे इसके लिए क्या हल है, इसके लिए हल ये है कि मेरे पास ना मैं इस राउटर के अंदर यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि भाई ये स्लैश प्रोफाइल के ऊपर भी प्रोफाइल का पेज खोलना है, और स्लैश प्रोफाइल के साथ अगर क्या हो यहाँ पे यूज़र ID अगर हो तो भी यही पेज खोलना है। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना सिर्फ प्रोफाइल पे और इसके आगे मैं स्लैश करके कोई यूज़र ID डालता हूँ तो भी यही पेज दिखाएगा मुझे, और ये वाली चीज़ अब ये डिस्कार्ड नहीं करेगा। अच्छा और ये वाली चीज़ मैं इस कंपोनेंट के अंदर यानी इस पेज में रहते हुए मैं बोलूँगा ना बच्चा अभी मुझे URL दो उठा के, तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, और ये मुझे एग्जैक्टली उसी तरह मिलेगा जैसे मुझे एक्सप्रेस के सर्वर पे URL पैरामीटर जैसे मिलते हैं ना, मैं कहता हूँ ना URL पैरामीटर यूज़र ID उठा के लाओ, तो मुझे एग्जैक्टली उसी तरह मिलेगा। अच्छा और डिपेंडिंग ऑन दैट कि अगर बंदे ने स्लैश प्रोफाइल लिखा है तो मैं फ्रंट एंड से क्या हिट करूँगा, उसकी खुद की प्रोफाइल, और अगर स्लैश के आगे कोई बात ऐसे लिखी हुई है उसने तो मैं बोलूँगा यार इसकी प्रोफाइल। स्लैश प्रोफाइल करके लिंक दूंगा तो खुलेगा, फिर खुलेगा हाँ नहीं, जब मैं अपनी प्रोफाइल खोलूँगा ना जैसे मैं ऐसे करके होम पे गया और मैं प्रोफाइल पे आया जब, तो अभी तो स्लैश प्रोफाइल आता है ना, जब मैं API हिट होगी और मेरा प्रोफाइल आ जाएगा तो मैं URL को हाथ से चेंज करवाऊँगा, और URL को हाथ से चेंज करवा के मैं बोलूँगा कि ये अब URL है, जैसे ही इस पेज पे आएगा तो ऑटोमेटिक वो URL के साथ आएगा, लेकिन पहले मुझे ये करना होगा कि मुझे अगर साबुत URL मिलता है तो उससे उठाना तो सीखूँ पहले मैं, फिर रखवाना भी सीख लूँगा मैं, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इस वक्त हम React Router DOM का एक फीचर पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड
URL पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ये देख लेते हैं अभी, नाम भूल गया उसका मैं। सही है। गेट क्वेरी पैरामीटर और URL पैरामीटर दोनों एक्चुअली एक ही टॉपिक है, ठीक है? क्वेरी पैरामीटर और URL पैरामीटर, यूज पैराम्स करके मुझे ये मिलेगा, ठीक है? जस्ट लाइक दैट, मैं यूज पैराम्स करूँगा और मुझे मिल जाएगा ये। सही है। और पाथ के अंदर मैं इस तरह करके लगाऊंगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट यूज़र आई डी है मेरा, ये है कि स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आई डी है, मैंने इस तरह किया हुआ है तो मैं उस तरह लिख दूंगा ना, ठीक है? स्लैश मी करके भी हो सकता है ये, स्लैश मी करके, ठीक है जी? तो आ जाते हैं हम, और इस प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स के ऊपर खड़े हो गए। मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार मुझे ना इसका URL चाहिए, ठीक है? मुझे क्या चाहिए, इसका URL चाहिए। कोई नहीं, तो गेट ऑल पोस्ट वाला फंक्शन है ना, मुझे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ना ये URL दो पूरा लागे। मैंने कहा यूज़ पैराम्स और ये यूज़र आईडी आ गया मेरे पास। अच्छा, ये यूज़र आईडी मैं कहाँ से गेट कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ लिखूँगा ना एग्जैक्टली मैं वही चीज़ गेट करूँगा तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सही है। अच्छा, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये भी आप नोट करें। सही है। अदरवाइज़ अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ तो ये पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट देगा मुझे, और जितने पैराम्स हैं ना URL में सब ला के देगा मुझे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए, तो मैं इसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? डीकंस्ट्रक्ट ही बोलते हैं ना इसको, डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इसको मैं। अच्छा, अब डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद या तो मुझे ये आईडी मिलेगी या तो मुझे नहीं मिलेगी, दो ही सिचुएशन होगी ना, या तो मुझे ये आईडी मिल जाएगी या तो मुझे ये आईडी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर बंदे ने लिखा होगा सिर्फ स्लैश प्रोफाइल, सही है, सिर्फ स्लैश प्रोफाइल इतना लिखा होगा, तो मुझे ये क्या मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली अनडिफाइंड मिलेगी। अनडिफाइंड मिलने की सूरत में इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं बल्कि ना ये गेट ऑल पोस्ट के अंदर लगाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये आ गया, मैं कहता हूँ भाई यूज़र आईडी अगर तो मौजूद है, यूज़र आईडी क्या है, अगर तो मौजूद है तो आप क्या करो, आप यहाँ पे आके ना स्लैश करके इसको भी लगा दो, यूज़र आईडी को लगा दो। सही है। हमने जो सर्वर बनाया था याद है किस नाम से बनाया था, कि जब बंदा गेट पोस्ट करता है, कहाँ गया गेट पोस्ट, गेट पोस्ट करता है एस लगा के, और इसके अंदर अगर, अच्छा इसमें तो क्वेरी पैरामीटर में मैंने लगाया हुआ है, किस में था, प्रोफाइल में था ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोफाइल गेट कर रहा हूँ या वो पोस्ट गेट कर रहा हूँ, प्रोफाइल एक्चुअली गेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रोफाइल एक्चुअली गेट कर रहा हूँ अभी मैं, ये मैंने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है, ये दो चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया, अभी एक्चुअली मैं पोस्ट गेट कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली भी पोस्ट गेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे स्लैश प्रोफाइल और जिसकी आईडी हो ना उस बंदे का वो प्रोफाइल पेज खुले, तो मैंने एक्चुअली दोनों चीज़ों को हिट करना है, उसकी प्रोफाइल भी गेट करनी है, उसकी पोस्ट भी गेट करनी है, दोनों चीज़ों को गेट करना है। वेल, लेकिन पहले पोस्ट को गेट करते हैं। तो यार मेरे पास जो पोस्ट डॉट एम जी एस है ना, इसके अंदर मैंने बोला हुआ है कि यार जब स्लैश यूज़र आई डी हो ना, ऐसे स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आई डी हो तो इस बंदे की प्रोफाइल ला के दो मुझे, और जो पोस्ट के अंदर जो है मुझे ये देना होता है ऐसे आईडी लगा के ना। सही है। तो मैं ज़रा पहले तो इस तरह कर लेता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने पोस्ट गेट करनी है स्क्रीन पे दिखाने के लिए, तो मैं इसको इस तरह नहीं करूँगा एक्चुअली, क्वेश्चन मार्क करके और ऐसे करूँगा मैं। सही है। क्वेश्चन मार्क अंडर स्कोर आईडी इक्वल्स ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर तो बंदे ने स्लैश प्रोफाइल लिखा है, ये यूज़ पैराम्स इसको, अच्छा यूज़ पैराम्स को ऊपर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है ना मैंने, यूज़ पैराम्स जो मुझे मिलेगा वो एक्चुअली मुझे मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से ना, कैसे इन्होंने इस एग्जांपल में बताया हुआ है देख लेते हैं। हाँ, ये इस तरह से मिलेगा मुझे, ठीक है, इस तरह से मुझे मिल गया। तो ये राउट वगैरह तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यूज़ पैराम्स को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने यूज़ पैराम पकड़ा है सिर्फ, ये ऊपर उसको मिल रहा नहीं था, इम्पोर्ट क्योंकि नहीं हुआ हुआ था तो इसलिए वो एरर दे रहा था। आ जाते हैं अब दोबारा से। अब मैं कहता हूँ यार स्लैश प्रोफाइल जब हिट होती है, अब क्या मसला है यार, इज नीदर अ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और नॉर अ कस्टम रिएक्ट हुक यूज पैराम इज कॉल्ड इन अ फंक्शन। अच्छा, वो कह रहा है कि यार ये जो हुक्स है ना, इसको क्या करना पड़ता है आपको, इसको आपको कॉल करना पड़ता है इधर, जैसे स्टेट है ना, स्टेट कंपोनेंट के अंदर बनता है, तो वो कह रहा है कि यार आपने जहाँ पे उसको कॉल किया हुआ है ना, वो फंक्शन कोई पता नहीं कौन सा फंक्शन है, आड़ा टेढ़ा फंक्शन है कोई,
आप इसको प्रॉपर क्या करो, कंपोनेंट के अंदर कॉल करो, कंपोनेंट के रूट पे। सही है, तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट के रूट पे कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको, अच्छा यहाँ पे तो ये खुद ही मिल जाएगा आई थिंक, देखते हैं चला के क्या रिपोर्ट है। अच्छा देख लेते हैं कि क्या अब हिट हो रहा है। यहाँ से मैं गया नेटवर्क के अंदर, और अभी क्योंकि यूआरएल के अंदर मेरे पास कोई पैराम नहीं है इस वक्त, तो वो अनडिफाइन मिलेगा मुझे पैराम। ठीक है, पैराम अनडिफाइन मिलने का मतलब है कि जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो स्लैश पोस्ट हिट होती है, अबे अनडिफाइन लिख के भेज रहा है ये तो साला, तो मुझे इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अनडिफाइन हो ना तो ये ना करो आप, है ना, मुझे ये लिखना पड़ेगा अनडिफाइन हो तो ये ना करो आप। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि और करके ना एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। सही है, काम कर जाएगा ये, आई होप कि कर जाएगा। सही है, काम कर गया भाई। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग करने से ना वो सर्वर पे नहीं मिलता, फिर मुझे सर्वर पे एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू बन जाती है। तो इसको किसकी पोस्ट दिख गई है, इसकी अपनी पोस्ट नज़र आ गई है। ठीक है, एबीसी वाले ने जो पोस्ट की हुई है ना, इसको अपनी पोस्ट नज़र आ गई है इस प्रोफाइल पेज के ऊपर ना। अच्छा, अब अगर ये क्या करता है, किसी और की प्रोफाइल गेट करता है, ठीक है, तो उस केस में अब हमें देखना है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना स्लैश करके किसी की यूज़र आईडी लिख देता हूँ, किसी की यूज़र आईडी लिख देता हूँ मैं, तो मुझे उस बंदे की पोस्ट नज़र आनी चाहिए। फिर मैं फ़ोटो भी उसकी मंगवाऊंगा, फिर मैं इस फॉर्म को भी हाइड करूँगा, क्योंकि जब उस बंदे की प्रोफाइल पेज खुला हुआ तो ये फॉर्म नहीं नज़र आना चाहिए, ये तो सिर्फ अपने प्रोफाइल पेज पे दिखना चाहिए। तो ज़रा डेटाबेस से आके मैं किसी दूसरे यूज़र आईडी की ना वो उठा लेता हूँ, जो मेरा एडमिन बच्चा था ना एक, ये ना इससे भी मैंने दो पोस्टें करवाई हुई हैं, है ना, इससे मैंने दो पोस्टें करवाई हुई हैं, तो इसको ज़रा गेट कर लेते हैं। और मैं बोलता हूँ कि यार अब की बार जो मुझे प्रोफाइल चाहिए ना, प्रोफाइल स्लैश और ये वाली चाहिए हिट। सही है, अच्छा ये हिट किया मैंने, और ये तो चल गया, खुद ही चल गया ये तो, कुछ किया भी नहीं मैंने तो अभी इसमें। अच्छा ये भाई अब की बार जो ना इसको हिट किया है इसने यहाँ पे। सही है, अच्छा अब इसको भी मैंने हाइड करवाना है एक्चुअली, इसको भी मैंने क्या करवाना है, हाइड करवाना है। बंदे का नाम तो, अच्छा ये नाम तो मेरे स्टेट से दिख रहा है अभी एक्चुअली, ये नाम मुझे एक्चुअली एपीआई कॉल से दिखाना है, जो मैं पहले कर रहा था ना वो मैं सही कर रहा था, क्योंकि ये नाम मेरा नाम तो चलो नेविगेशन बार में आ रहा है ना कि इस वक्त मैं लॉग इन हूँ, लेकिन प्रोफाइल पेज पे उस बंदे का नाम आना चाहिए जिसकी मैंने प्रोफाइल खोली है। तो मुझे प्रोफाइल भी एक्चुअली क्या करनी पड़ेगी, गेट करनी पड़ेगी, लेकिन पहले तो मैं ये फॉर्म ज़रा हाइड करवाऊँ ना। ये फॉर्म मैं कैसे हाइड करवाऊँगा, सबसे पहले मैं फॉर्म इस तरह हाइड करवाऊँगा, मैं कैसे फॉर्म को हाइड करवाऊँ, चलो प्रोफाइल गेट करते हैं पहले, छोड़ो गेट ऑल पोस्ट हो गया ना, यहाँ पे एक मैंने गेट प्रोफाइल भी बनानी है अभी, मैंने यहाँ पे गेट प्रोफाइल, क्योंकि एक तो प्रोफाइल गेट हुई थी लॉगिन होते हुए, वो तो उस बंदे की थी जो इस वक्त लॉगिन है, लेकिन जब मैं किसी दूसरे बंदे की प्रोफाइल पेज को ओपन करता हूँ तो, या मैं अपनी प्रोफाइल पेज ओपन करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मुझे एपीआई दोबारा कॉल करनी चाहिए ताकि मैं डिस्टिंग्विश कर सकूँ और आसानी के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अदद गेट प्रोफाइल बना लेता हूँ, गेट प्रोफाइल इक्वल्स टू एसिंक, जादू कर दे जल्दी से, यस। ठीक है, मैंने क्या बनाया था, स्लैश प्रोफाइल सर्वर पे मैंने किस तरह से बनाया हुआ था, हाँ स्लैश प्रोफाइल और स्लैश यूजर आईडी, ये मैंने बनाया हुआ था, तो मैं इसी तरह करके यहाँ से भेजूंगा, स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर आईडी, ये मैंने भेज दिया। विथ क्रेडेंशियल ट्रू लगाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, लगा दूँ तो अच्छी बात है लेकिन लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट निकलेगी विथ क्रेडेंशियल ट्रू उसमें लग के जाएगा। अच्छा, गेट प्रोफाइल से जब डेटा आता है मेरे पास तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जी कॉन्स्ट प्रोफाइल कॉमा सेट प्रोफाइल इक्वल्स टू यूज स्टेट, और शुरू में इसको मैं नल रखवा देता हूँ। ठीक हो गया जी, तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये भी जो भी डेटा आया ना उसको सेट प्रोफाइल के अंदर जो है ना ऐसे सेट करवा दो। ठीक है, और प्लस अब मैं जब यहाँ पे नाम डिस्प्ले करवाता हूँ बंदे का, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं स्टेट डॉट यूज़र वाला नाम नहीं डिस्प्ले करवाऊँगा मैं। ठीक है, मैं प्रोफाइल डॉट बोलूँगा अब इसको। ठीक है, प्रोफाइल और क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको आसानी से वो कर सकूँ, अदरवाइज़ वो अगर प्रोफाइल थोड़ी देर तक नहीं होगी ना तो वो कोड ब्रेक भी हो सकता है।
तो अब की बार ये उस बंदे का ही नाम दिखाएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पे जो नाम था वो ये वाला आ जाना चाहिए। अच्छा प्रोफाइल की शायद एपीआई फेल हो गई है, प्रोफाइल की एपीआई में क्या आया है, कुछ नहीं आया, व्हाट्स स्लैश प्रोफाइल। अच्छा स्लैश प्रोफाइल के अंदर मैंने वो आईडी नहीं डाल के भेजी ना, वेल नहीं भी डाल के भेजी तो मुझे मेरा तो नाम मिलना चाहिए था। सही है, यूज़र आईडी अभी नहीं है, अभी फ़िलहाल हम इसको बोलते हैं कि यार जस्ट अभी मेरा तो जस्ट नाम दो आप। सही है, स्लैश प्रोफाइल पे मुझे मेरी प्रोफाइल मिल जानी चाहिए। स्लैश प्रोफाइल पे मुझे क्या मिलता है, हाँ मेरी प्रोफाइल मुझे मिल जाती है। सही है, तो यहाँ पे नाम क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है? ओह यस, गेट प्रोफाइल तो कॉल ही नहीं हुआ। गेट प्रोफाइल कहाँ पे कॉल होगा, यूज़ इफेक्ट के अंदर, गेट ऑल पोस्ट के साथ साथ गेट प्रोफाइल भी कॉल होगा, जस्ट लाइक दैट। अब अच्छा वो डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम है एक्चुअली, मुझे ना यहाँ पे डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम मिलता है। सही है, प्रोफाइल डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम है इस तरह से। ठीक है, अब मुझे ये उस बंदे का प्रोफाइल मिल गया जिसकी मैंने यहाँ पे आईडी लगाई थी, उस बंदे का ही मुझे प्रोफाइल। यार ये मैंने क्या नाम लिखा हुआ है, आड़ा टेढ़ा नाम लिखा हुआ है। हाँ नहीं एक्चुअली अभी तो मैंने उसमें नाम नहीं लगाया ना उस बंदे का, अभी तो मैंने जस्ट अपना किया हुआ है। अच्छा अब मुझे इस एपीआई कॉल के अंदर क्या करना है, ये कंडीशनल बनाना है कि जी अगर तो ऊपर कुछ है, यूज़र आईडी के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, तो ये गेट प्रोफाइल में वो चीज़ लगा कर भेजो आप। सही है, स्लैश और ये मैंने लगा दिया इस पे, और मैंने कह दिया यूज़र आईडी। तो अगर यूज़र आईडी होगा तो ठीक है, अदरवाइज यूज़र आईडी था तो चला गया। अब यूज़र आईडी अगर नहीं होगा तो खुद ही ऑटोमेटिकली अपना आ जाएगा या फेल हो जाएगा। फेल हो गया, वो फेल इसलिए वो अनडिफाइन भेज रहा होगा साथ उसके। ठीक है, ये अनडिफाइन भेज रहा है, तो इस अनडिफाइन को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी ऐसे लगा दूंगा कि यार एम्प्टी स्ट्रिंग सेट हो गया। ठीक है, तो अब किसी बंदे की प्रोफाइल होगी तो ये होगा। अब इसको मैं किसी को ऐसे कॉपी करके दूंगा ना, ये वाली यूआरएल, ये वाला यूआरएल किसी को मैं ऐसे कॉपी करके दूंगा और वो जाके एक नए टैब में इसको लिखेगा इस यूआरएल को, तो इस ये एडमिन नाम का बंदा है ये, तो डायरेक्ट इसकी प्रोफाइल ओपन होगी, ये एडमिन नाम की ओपन होगी। अच्छा इस एडमिन के ओपन होने पर मुझे ये फॉर्म नहीं दिखाना, क्योंकि जिस वक्त लॉगिन कौन है, ये एबीसी लॉगिन है इस वक्त, तो मुझे ये फॉर्म नहीं दिखाना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा कि मैं ये बोलूँगा कि इस वक्त जो स्टेट में यूज़र आईडी है वो उस बंदे की जो लॉगिन है, और अभी जो प्रोफाइल गेट हुई है उन दोनों की यूज़र आईडी अगर सेम है तो जब ही ये फॉर्म दिखाना है, अदरवाइज़ नहीं दिखाना। ठीक है, तो आके कर लेते हैं ये काम हम जल्दी से। मैं यहाँ नीचे आता हूँ और मैं इस फॉर्म के ऊपर, ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्म है जिससे क्या होता है मेरे ये पोस्ट हो रही होती है ना, तो इस पूरे के पूरे फॉर्म के ऊपर आके मैं बोलता हूँ कि यार ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक है, और ये जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक क्या बोलता है, ये बोलता है कि यार स्टेट डॉट यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी अगर इक्वल्स इक्वल्स है यूज़र आई डी के तो क्या होगा। अच्छा ये सही इसने लगाया था वैसे, एम परसेंट एंड एंड सही लगाया था इसने। ये मैंने इस पार्ट को ना कंडीशनल बना दिया। अच्छा एक मिनट स्टेट में ज़रा देख लेते हैं किस तरह से था वो, यूज़र अंडर स्कोर आई डी मैंने रखवाया स्टेट में कि नहीं रखवाया, स्टेट में मैंने शायद अंडर स्कोर आई डी रखवाया हुआ नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे आके। ये ऐप डॉट जी एस एक्स में होता है ना स्टेट का सारा काम, ऐप डॉट जी एस एक्स में होता है ये सारा काम ना। ये रहा चेक लॉगिन स्टेटस, ये यूज़र लॉगिन जो मैं हिट मारता हूँ, अच्छा इसमें पूरा डेटा मैं भेज देता हूँ यहाँ से यूज़र लॉगिन पे, यूज़र डॉट डेटा डॉट डेटा। अब मुझे वो डिस्पैच वाले में देखना पड़ेगा कि मैंने डिस्पैच में ये काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, डिस्पैच वाला कहाँ गया मेरा फंक्शन, अच्छा इसमें मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल रखवाता हूँ, तो कॉमा करके मैं अब क्या रखवाऊँगा, अंडर स्कोर आई डी या कुछ बेहतर नाम हो सकता है इसका,
अंडर स्कोर आई डी ही रख देते हैं यार, अंडर स्कोर आई डी ही रख देते हैं ताकि सब जगह सेम हो, एक्शन डॉट पेलोड डॉट अंडर स्कोर आई डी, सही है, यहाँ पे भी अंडर स्कोर आई डी रख देते हैं। मैं कहता हूँ यार अंडर स्कोर आई डी क्या हो, अगर सेम हो इस वक्त जो यू आर एल के अंदर मौजूद है तो क्या कर दो आप उसको दिखा दो, अदरवाइज ना दिखाओ। तो ये आप देखें, जब मैं इसको एडमिन वाले बंदे का रखता हूँ ना जब आई डी, तो फिर नहीं मुझे ये दिखाता। अच्छा, लेकिन जब मैं वैसे प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ तो मुझे ये दिखा देता है। अबे ये एडमिन एडमिन अभी तक क्यों आ रहा है? अच्छा, इसके ऊपर आके मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, ये एडमिन एडमिन है, और मैं अगर अब होम पे जाता हूँ और वापस प्रोफाइल पे आता हूँ तो सही है, चेंज हो गया ये, सही है। या ऐसे करके मैं इसको यहाँ से रिमूव मारता हूँ और अब हिट करता हूँ तो सही हो जाता है। पहले कैसे आया था यार, एक दफ़ा एकदम अचानक यहाँ से? अच्छा अच्छा इसी यू आर एल पे मैं रहते हुए अगर मैं डायरेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करूँ, हाँ तो ये गड़बड़ है, कंपोनेंट रीलोड नहीं हो रहा। यहाँ पे रहते हुए मैंने डायरेक्ट प्रोफाइल पे हिट किया अगर, तो कंपोनेंट तो दूसरा है ये अलग है, क्योंकि स्लैश प्रोफाइल पे नहीं, कंपोनेंट तो सेम है, दो अलग अलग एड्रेस पे मैं सेम कंपोनेंट रेंडर करवाता हूँ। ये तो एक मसला है, ये तो एक मसला है, ये तो एक मसला है। अच्छा एक्चुअली इसको हम हैंडल पता है किस तरह करेंगे, अब इसको हम हैंडल असल में इस तरह करेंगे कि स्लैश प्रोफाइल पे कुछ होगा ही नहीं, स्लैश प्रोफाइल इज नथिंग। मैं ऐप डॉट जी एस एक्स पे जाऊंगा और ये तो स्लैश प्रोफाइल तो मैंने वैसे ही बना दिया था ना, स्लैश प्रोफाइल इज नथिंग, ये है ही नहीं, ये स्लैश प्रोफाइल के साथ हमेशा आईडी होगी। अब चक्कर ये होगा कि भाई मैं तो इधर आया हूँ और होम पे, अभी मैं होम पे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं प्रोफाइल जब हिट करता हूँ तो ये तो स्लैश प्रोफाइल पे जाता है और वो है नहीं क्योंकि, तो वो घुमा के होम पे लाता है, तो मैं प्रोफाइल के क्लिक के ऊपर इसको हमेशा कहाँ लेके जाऊँगा, जो स्टेट के अंदर यू आर एल स्टेट के अंदर आईडी है ना उस पर मैं हमेशा लेके जाऊँगा, तो मेरा उससे ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली उससे मेरा ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं यहाँ नेविगेशन बार पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार स्लैश प्रोफाइल के अंदर आप हमेशा स्लैश लगा के क्या करोगे, आप स्टेट डॉट यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी आप लगाओगे हमेशा यहाँ, सही है। तो अब यहाँ पे से अगर होम पे मैं खड़ा हूँ और मैं अगर प्रोफाइल पे हिट करता हूँ, अब ये अनडिफाइन किस खुशी में आ रहा है, स्टेट डॉट यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी है ना, इसी तरह है ना, कॉन्टेक्स्ट में सेव हुआ है, अबाउट के पेज पे मैंने कॉन्टेक्स्ट को पूरा डिस्प्ले करवाया है ना, अरे हाँ कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो अंडर स्कोर आई डी है ही नहीं, तो लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे, हाँ लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन, नहीं इतनी दफ़ा मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया, ये क्या बकवास थी यार, इतनी दफ़ा मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया, अब मैं ज़रा अबाउट के पेज पे जाके देखूँ, भैया अंडर स्कोर आई डी तो यहाँ आ ही नहीं रही, ये क्या चक्कर है, तो वो लॉजिक चल कैसे रही थी जो फॉर्म डिस्प्ले ना कराने वाली ये लॉजिक कैसे चल रही थी वो वाली, यहाँ पे आके देखते हैं ना जहाँ पे मैं सेव करवाता हूँ, ये है ना मेरा लॉगिन स्टेटस, ओके एक्चुअली यार चक्कर पता है क्या है, ये लॉगिन स्टेटस चेक तो एक है, एक लॉगिन करते हुए भी तो मैं ये हिट करवाता हूँ डिस्पैच, लॉगिन करते हुए भी तो मैं डिस्पैच हिट करवाता हूँ, वो लॉगिन किधर है, वो लॉगिन के पेज पे, लेकिन स्टिल वहाँ से तो जस्ट डिस्पैच हो रहा है ना और ये ऐसे डेटा पास हो रहा है, राइट, चेक कर लेते हैं, लेकिन शायद मैंने डिफरेंट किया वो, शायद मैंने डिफरेंट तरीके से किया हुआ, वहाँ लॉगिन के पेज पे चलते हैं, सही किया हुआ यहाँ पे भी मैंने इसी तरह किया हुआ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा यही किया हुआ, सेम बिल्कुल काम किया हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉगिन के ऊपर मैं वो ही नहीं मंगवाता, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो लॉगिन स्टेटस चेक, अबे ये क्या हो गया रिस्पॉन्स, अच्छा नहीं वो मैंने यहाँ से छेड़छाड़ की है ना जो उसकी वजह से, जब मैं रिफ्रेश कराता हूँ जब तो आ जाना चाहिए इसमें अंडर स्कोर आई डी, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है, लॉगिन स्टेटस चेक मैं किससे चेक कराता हूँ, मैं चेक कराता हूँ प्रोफाइल्स है ना, अच्छा प्रोफाइल में अंडर स्कोर आई डी नहीं आती है,
वो मैंने शायद प्रोजेक्शन वगैरह कुछ मारी हुई उधर, अंडर स्कोर आई डी आती नहीं है इसके ऊपर। तो अब चलते हैं दोनों के ऊपर, हम अंडर स्कोर आई डी ज़रा मुझे चाहिए होगी अब ना दोनों के ऊपर। मेरा सर्वर किधर गया? सर्वर आ जाओ, सर्वर गेट प्रोफाइल के अंदर मुझे, गेट प्रोफाइल के अंदर मुझे यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन टाइप की कोई चीज़ लगी हुई, हाँ ये लगा हुआ है ना, इसमें अंडर स्कोर आई डी आती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा? अंडर स्कोर आई डी चाहिए होगी। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि वो लॉजिक कैसे चल रही थी वो शायद कुछ दूसरा सीन हुआ था। अंडर स्कोर आई डी मुझे यहाँ पे भी मिल गई और गेट प्रोफाइल पे ये हो गया, और लॉगिन के रिस्पॉन्स के ऊपर जो मेरा लॉगिन का जो रिस्पॉन्स है उस पर भी मुझे अंडर स्कोर आई डी चाहिए होगी। एक्चुअली ऑथ डॉट एम जे एस के ऊपर जो लॉगिन का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे भी अंडर स्कोर आई डी मैंने नहीं भेजी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या रिपोर्ट है। अब आ गई अंडर स्कोर आई डी यहाँ पर, सही है, अब आ गई अंडर स्कोर आई डी। अब मैं प्रोफाइल हिट करूँगा जब, तो ये बिल्कुल सही लेकर आया, अब बिल्कुल सही लेकर आया ये, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं और भी कर सकता था कि स्लैश प्रोफाइल पे भी एक कंपोनेंट बनाता, लेकिन फिर उस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करता, मैं चेक करता कि यार ये यूआरएल में कुछ नहीं है ना, तो मैं एक छोटा सा फंक्शन चलाता, मैं कहता स्टेट से उठाओ और इसके ऊपर रखवाओ। मैं इस तरह भी कर सकता था, लेकिन अभी हमने ज़रा सीधा काम कर दिया, ठीक है, सीधा काम कर दिया इसके ऊपर मैंने भी। अच्छा, अब ये मैं होम पे हूँ, मैं इस वक्त होम पे खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और मैं किसी को भी भेजता हूँ मैं यूआरएल, तो उसके पास यही प्रोफाइल खुलेगी। इनकॉग्निटो में खोलते हैं, इनकॉग्निटो में गया, ये प्रोफाइल मैंने हिट की। अच्छा, ये तो लॉगिन नहीं है ना, ये तो लॉगिन नहीं है, हाँ ये तो सिक्योर नहीं होना चाहिए, ये तो सिक्योर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी ये समझ में आ गया ना, स्टाइल पकड़ में आ गया, स्टाइल पकड़ में ये आ गया कि हमारे पास जो अनऑथेंटिकेटेड भी एक प्रोफाइल का पेज होगा। एक प्रोफाइल तो ऑथेंटिकेटेड में है ना, एक अनऑथेंटिकेटेड में भी होगा, है ना। तो या फेसबुक क्या मुझे अनऑथेंटिकेटेड में अलाउ करता है प्रोफाइल पेज खोलना, है ना? हाँ करता है मुझे, करता है। तो मुझे एक अनऑथेंटिकेटेड में बनाना पड़ेगा ना। असल में तो वो बैरियर की वजह से रुक गया, असल में तो वो क्या हुआ, वो बैरियर ऐसा लगा हुआ था कि उसकी वजह से वो रुक गया ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यार एक प्रोफाइल का जो पेज है वो अनऑथेंटिकेटेड में भी मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया मेरा ये ऐप डॉट जे एस एक्स में आया मैं, और ऐप डॉट जे एस एक्स में आके मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार आप जो है ना ये कर दो कि ये जो पाथ है ना, ऐसा वाला पाथ एक किधर बना दो आप, ज़रा ये लॉगिन फॉल्स पे भी बना दो आप, लॉगिन फॉल्स पे भी एक बना दो आप, ये सही है कि भाई स्लैश प्रोफाइल हो, स्लैश यूज़र आईडी हो, तो प्रोफाइल का पेज खोल दो उसके ऊपर आप, ठीक है। देखते हैं अब क्या एरर आता है इसके अंदर, अगर कुछ एरर आता है, जाहिर है कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हुई हुई हैं जो, ओह ये क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना था ना, ये मैं प्रोफाइल पे गया, सही है, ये मेरी प्रोफाइल पे मैं आ गया। पोस्ट नहीं है ना, तो गेट है ये तो अच्छा, ये क्यों नहीं हिट हो रहा यार, स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर आईडी मैंने लगाया हुआ था इसके ऊपर, प्रोफाइल पेज खुलवाता हूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ, असल में ये यूज़ इफ़ेक्ट चलता है ना जो, ये मसला ख़राब कर देता है। नहीं, यूज़ इफ़ेक्ट में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ बस यूज़ इफेक्ट के अंदर। क्यों नहीं खुल रहा है, खुल जाना चाहिए इसको, यस। पोस्ट गेट करने की जो एपीआई है वो तो सर्वर पे भी सिक्योर है, तो वो तो यहाँ हिट होगी नहीं, पेज तो खुल जाता है लेकिन वो हिट नहीं होती। हाँ, क्योंकि पेज तो खुला हुआ ही है,
हाँ ना यार, पेज अगर नहीं खुला होता तो इसको उड़ा के फेंक देता ही है। पेज खुला वैसे ही, लेकिन उस पेज के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि ये आईडी उस आईडी के इक्वल नहीं है, तो फॉर्म में नहीं डिस्प्ले होता, और पोस्ट भी कोई नहीं है तो पोस्ट भी डिस्प्ले नहीं होती। एक ज़रा हम एक इस पर बात लिख देते हैं ना, एक हम अगर कोई पोस्ट नहीं हो ना तो नो पोस्ट तो एटलीस्ट लिख दें हम यहाँ पर। हम यहाँ पर कह देते हैं कि यार ऑल पोस्ट डॉट लेंथ अगर ज़ीरो हो ना अगर, तो क्या कर दो यहाँ पे एक एटलीस्ट ये तो बता दो इसको कि यार कोई पोस्ट नहीं है। हाँ ये आ गया ना, पेज खुल गया मेरा सही, लेकिन डेटा कुछ भी नहीं आ रहा। अब वो डेटा इसलिए नहीं आ रहा कि सर्वर पे भी मैंने इस एपीआई को सिक्योर किया हुआ है, तो सर्वर पे भी मुझे एक सर्टेन लेवल तक एपीआई को क्या करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक पे लाना पड़ेगा मुझे। कहाँ गया मेरा जी वो, ठीक है जी, ये मेरे जो है ना ऑथेंटिकेटेड राउट है। तो अब इस पे से किसी बंदे की प्रोफाइल गेट करना, ये दोनों आइटम मुझे शायद पब्लिक कर देने चाहिए, क्योंकि ये प्रोफाइल मैंने यहाँ पे वैसे भी बनाया था, मैंने कहा था इसको यहाँ पे नहीं बनाना मुझे एक्चुअली, इसको मैंने यहाँ से कहीं और लेके जाना है। तो इसको एक्चुअली मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और कट करके इसको कहाँ लगा देता हूँ मैं इसको मेन जो मेरा सर्वर है उस पर लगा देता हूँ, मेन सर्वर पर, और इस से पहले लगा देता हूँ बैरियर से, इस बैरियर से मैं इसको पहले लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस बैरियर से पहले लगाने की वजह से अब ये क्या होगा कि ये दोनों हिट हो पाएगा, स्लैश प्रोफाइल और स्लैश अब लेकिन एक मसला है, इसी प्रोफाइल को तो मैंने ये चेक किया हुआ कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, लॉगिन स्टेटस चेक पे मैंने इसी को लगाया हुआ स्लैश प्रोफाइल को, तो मुझे उसके फिर कोई और लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस पे ये वाला तो नहीं होगा ना, स्लैश प्रोफाइल सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि अनऑथेंटिकेटेड बंदा है तो उसको थोड़ी पता है कि ये कौन है, तो इस पे ये तो एटलीस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ होगा बाकायदा बताया होगा यार ये वाला यूज़र आईडी है, ये वाली यूज़र आईडी है, तो वही हिट हो सके। सिर्फ अगर वो बोलता है कि यार स्लैश प्रोफाइल, तो वो तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टिल आई थिंक मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको स्टिल ना ऑथेंटिकेशन के लिए। अच्छा तो अच्छा, अब इसमें ये देख लेते हैं कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बंदे को ये पता है आईडी। अच्छा, डिकोडेड वाली बात भी अब इसके अंदर नहीं हो पाएगी, सही है, डिकोडेड वाली बात तो है ही नहीं इसके अंदर, इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं चली जाती इसकी। इस एडमिन चला जाता है, ये चला जाता है, इस एडमिन भी अब इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं ये मुख्तलिफ एपीआई बना रहा हूँ, वो उस वाले से मुख्तलिफ हो गया, अभी उस वाले से अब ये टोटली मुख्तलिफ एपीआई बन रही है। बस नहीं, इस एडमिन भी चलो कोई इतना सेंसिटिव आइटम नहीं है, इस एडमिन फॉल्स ही मिलेगा उसको हमेशा, किसी बंदे के बारे में पता चल जाए कि ये ईमेल एडमिन है तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। वैसे तो है मसला, लेकिन फिलहाल हम उसको ना कंसिडर करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इनकॉग्निटो में ज़रा हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, अब क्या मसला है। अच्छा, ये स्लैश प्रोफाइल ही उसको हिट कर रहा है, ये स्लैश प्रोफाइल क्यों हिट कर रहा है, इसको तो वो वाला यूआरएल हिट करना चाहिए ना जो मैंने उसको बताया। अच्छा, वो भी हिट कर रहा है बाद में, ये पहले ये स्लैश प्रोफाइल हिट करता है फिर ये वाला हिट करता है, ये वाला क्यों उसका रिफ्यूज़ हो जाता है भाई, ये तो सही हिट कर रहा है, इसको तो रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ मैं अगेन इसको, इसमें क्या आता है जी, इसमें स्टेटस ही नहीं बता रहा है, तो फेल बता दे रहा है सीधा सीधा। आई थिंक मुझे केशे क्लियर करके उसको दोबारा एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी ये पोस्ट गेट करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली, वो तो चलो फेल होगी, और प्रोफाइल स्लैश प्रोफाइल, यार ये तो चलना चाहिए ना, ये तो मैंने पब्लिक कर दिया अभी, ये भी नहीं चल रहा है इसके अंदर, और इसमें एरर बता रहा है कि प्रोविजनल कोई हेडर का कोई एरर आ गया, इसका मतलब होता है कि सर्वर मेरा ब्रेक हो गया। हाँ, सर्वर ब्रेक हो गया, ऐसा ही है, राउटर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने यहाँ लगा तो दिया, लेकिन ये राउटर थोड़ी होगा, ये तो अब ऐप डॉट गेट होगा ना, ये तो मेरे ऐप वाले लेवल पे मैं चल रहा हूँ इस वक्त।
अच्छा अब अभी दोबारा सर्वर पे कुछ मसला आया है। अच्छा कुकीज़ ना ला रही हैं, ठीक है कुकीज़ से तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अब इनकॉग्निटो में क्या हुआ है इसके साथ? स्लैश प्रोफाइल पे अब 401 आ रहा है। अब क्यों 401 है भाई? स्लैश API स्लैश V1 स्लैश प्रोफाइल। अच्छा इस पे तो 401 आएगा। अब जिसके ऊपर ID लगा के भेजी है वो स्लैश प्रोफाइल और स्लैश पूरी ID, उस पे स्लैश प्रोफाइल और स्लैश पूरी ID। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूज़र ID। सही तो है सब कुछ, इसको तो ये गेट करवा देना चाहिए। ये स्लैश प्रोफाइल क्यों नहीं हिट हो रहा? इसमें क्या ऐसा डिफरेंट है? लोकल होस्ट 5002 API स्लैश V1 स्लैश प्रोफाइल। ओ यस ओ यस, यहाँ पे हाँ वो तो मैं वहाँ राउटर में था ना, स्लैश API स्लैश V1, तो अब मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। ये तो मुझे अब लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब अभी भी कोई मसला है, अभी भी इसको 401 बोलता है ये। स्लैश API स्लैश V1 स्लैश प्रोफाइल है ना, स्लैश प्रोफाइल है और उसके बाद स्लैश यूज़र ID है। अरे स्लैश नहीं लगाया मैंने शुरू में, शुरू में स्लैश भी तो लगेगा ना। अब क्या मसला है भाई? प्रोविजनल प्रोविजन का मसला है, अभी भी सर्वर ब्रेक हो रहा है। सम टाइम जब ये कोर्स का एरर देता है ना तो इसका मतलब है सर्वर ब्रेक हो रहा होता है, सम टाइम ऐसा होता है। सही है, ऑब्जेक्ट ID इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम वो आ रहा है कि जी इसमें मैंने जो जो चीज़ों को इस्तेमाल किया हुआ है ना, अब वो एक एक करके उन सब चीज़ों का एरर देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ऑब्जेक्ट ID को इस्तेमाल किया हुआ है तो ये नहीं है इसके अंदर, इन सबको इम्पोर्ट करना पड़ेगा एक एक करके। तो ये मैं पोस्ट वाले में ऊपर जाके ना ये सारे को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ एक ही साथ। सही है, क्योंकि इन सबका एरर ये एक एक करके देगा, इन सबको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, खुद ही बता देगा कि कौन सा यूज़ नहीं हो रहा, उसको मैं फिर हटा दूंगा। सही है, जैसे नैनो ID यूज़ नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्लाइंट एक मिनट, नैनो ID, हाँ नैनो ID यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, OpenAI यूज़ नहीं हो रहा, नैनो ID यूज़ नहीं हो रहा, क्लाइंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्लाइंट का ये URL ठीक करना पड़ेगा मुझे। क्या हो गया इसको? डॉट स्लैश है ना ये, डॉट स्लैश है ये, सही हो गया। ठीक है, डॉट स्लैश है। ऑब्जेक्ट ID मैंने उठा लिया, ऑब्जेक्ट ID मैंने उठा लिया MongoDB से। सही है, दोनों ऑब्जेक्ट ID यूज़ हो गया। अब तो कोई मसला नहीं रहा मेरे ख्याल, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मैंने उसको प्रोवाइड कर दी। रिफ्रेश, प्रोफाइल गेट हो गई अब। ठीक है, फाइनली उस बंदे की प्रोफाइल गेट हो गई है इनकॉग्निटो के अंदर भी। सही है, इनकॉग्निटो में उस बंदे की प्रोफाइल गेट हो गई। अच्छा, पोस्ट गेट करनी है उस बंदे की, तो क्या पोस्ट में उसको गेट करने दूंगा? अच्छा, यहाँ पे जो अंदर मेरे पास प्रोफाइल है ना, देखो एक तो मेरे पास प्रोफाइल आ गई ना ये वाली स्लैश API स्लैश V1 स्लैश प्रोफाइल, और साथ में यूज़र ID भी दिया हुआ है मैंने। तो यूज़र ID तो अगर मुझे पता हो तो उसको पब्लिक किया हुआ है मैंने, लेकिन अगर सिर्फ मैं स्लैश प्रोफाइल दे दूँ तो वो मुझे शायद वो वाला मुझे ना शायद इधर ही रखना चाहिए अभी भी। नहीं, अभी सिर्फ स्लैश प्रोफाइल मुझे चाहिए, स्टिल सिर्फ स्लैश प्रोफाइल मुझे चाहिए अभी। हाँ यार, बात तो ये भी सही है, क्योंकि मैं सिर्फ स्लैश प्रोफाइल तो मैं हिट करता भी नहीं हूँ वहाँ से। हाँ, सिर्फ स्लैश प्रोफाइल तो मैं हिट भी नहीं करता वहाँ से, क्योंकि वहाँ से तो मैं अब स्टेट से उठा के वो URL लगा के हिट करता हूँ। हाँ, तो फिर शायद मुझे यहाँ पे उसको रखवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अब मैं मेक श्योर करूँगा कि लॉग इन होने के बाद भी ये सही चलता है कि नहीं चलता। यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। अबे ये लॉग आउट कैसे हो गया, ये कैसे लॉग आउट हो गया? एप्लीकेशन टोकन तो पड़ा है इधर, देखते हैं ज़रा नेटवर्क में। ये तो लॉग इन है ना बंदा हमारा,
अच्छा वो क्योंकि मैं स्लैश प्रोफाइल के ऊपर मैंने लगाया हुआ था शायद हिट इसका, स्लैश प्रोफाइल यहाँ पे मसला करने लग गया अब, स्लैश API स्लैश V1 स्लैश प्रोफाइल। अच्छा वो सिर्फ स्लैश प्रोफाइल तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सिर्फ स्लैश प्रोफाइल तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब ऑथेंटिकेशन के लिए मैं ऐसा क्या लगाऊँ कि जिससे ये ऑथेंटिकेट हो जाए। मुझे एक API ऐसी चाहिए, वो शायद पिंग वाली API मैं लगा लेता हूँ, लेकिन नहीं चलो सही है वो स्लैश प्रोफाइल को मैं वापस ले आता हूँ, ये ऑथेंटिकेशन के काम आएगा मेरे, ये वाली जो API है ना ये मेरे ऑथेंटिकेशन के काम आएगी। मतलब सिर्फ स्लैश प्रोफाइल हिट मारूं और कुछ डेटा आ जाए तो इसका मतलब बंदा ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है चलो भाई ये हो गया मसला हल। ठीक है ये भी यहाँ पे भी चल रहा है, मैं होम पे जाता हूँ तो ये सारी पोस्ट दिखाता है मुझे, सारी पोस्ट दिखा रहा है मुझे। अब मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल खोल के दिखाता है मुझे, मेरी प्रोफाइल खोल के दिखाता है मुझे। यही URL मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इनकॉग्निटो में जाके ओपन करता हूँ, इसको मैं नया इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ। तो ये यहाँ पे भी नाम एटलीस्ट दिखा दिया, अभी पोस्ट नहीं दिखाई इसने मेरी, पोस्ट का भी कुछ करते हैं अभी हम, सही है पोस्ट का भी कुछ करते हैं। अच्छा अब सर्वर में ना अभी तक हमने एक काम नहीं किया, वो काम हमने ये नहीं किया कि असल में ना जब बंदा अनऑथेंटिकेटेड होता है ना, तो अभी तो अनऑथेंटिकेटेड होने की सूरत में मैं क्या करवा देता हूँ इसको, यहाँ से जो अभी मेरे पास जो बैरियर लगा हुआ है, कहाँ चला गया वो बैरियर, अच्छा पोस्ट में खड़ा हुआ ना मैं, तो server.mjs में अब मेरे पास जो ये बैरियर लगा हुआ है ना ये वाला, कि जी बंदे के पास कुकी है कि नहीं है और ये सारी चीज़ें, अब ये कुकी ना होने की सूरत में अभी तो मैं भगा देता हूँ इसको, बोलता हूँ भाई निकलो। लेकिन मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि मैं एक लिस्ट ऑफ अनऑथेंटिकेटेड राउट बनाऊँ, और अगर बंदा लॉगिन है वो वही बंदा लॉगिन है और वो स्लैश प्रोफाइल बोलता है तो एक दूसरा राउट हिट हो, और वही बंदा लॉगिन है या नहीं है तो दोनों केसेस में वो अलग अलग फ्लो पे चल रहा हो और दोनों जगहों पे एक एक अदद स्लैश प्रोफाइल मौजूद हो जो कि थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हो। तो अब मैंने वो वाला काम यहाँ पर करना है, सही है वो काम मैं कैसे करूँगा, वो काम अब मैं कैसे करूँगा। तो मैं उसके लिए जो है ना यहाँ पे एक अदद बनाऊँगा अनऑथेंटिकेटेड राउट्स का फोल्डर, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना राउट्स, है ना यहाँ पे राउट्स है ना, इसी तरह मैं एक फोल्डर बनाऊँगा दैट इज़ कॉल्ड अनऑथ राउट्स, ठीक है अनऑथेंटिकेटेड राउट्स एक बनाऊँगा मैं। अभी जो सारा मैंने झोल झाल किया हुआ ना ये स्लैश प्रोफाइल वाला और ये सारी चीज़ें, ये इस तरह रूट पर नहीं होंगी, ये इसका एक फोल्डर होगा और ये उसके अंदर होंगी अनऑथेंटिकेटेड राउट्स। अब अनऑथेंटिकेटेड राउट में ना मेरे पास एक मोस्ट प्रॉब्ली एक प्रोफाइल का राउट होगा, अभी तो उसमें तीन चार फाइल हैं, तीनों चारों फाइल को मैं डिलीट, ओए बड़ी बड़ी क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने, ये मैंने पता नहीं क्या किया डिलीट मार दिया। अच्छा सही हो गया, ठीक है इसको मैंने डिलीट मारा, अभी यहाँ पर देख लेता हूँ कुछ और डिलीट तो नहीं है ना, हाँ कुछ और डिलीट नहीं है। अच्छा एक रखते हैं बाकी सारे उड़ा देते हैं इसमें से, अनऑथ राउट में से ये भी उड़ा देता हूँ, अनऑथ राउट के अंदर मैंने क्या रख दिया सिर्फ एक अदद, ये post.mjs है ना मेरे पास मिसाल के तौर पे, तो ये अनऑथेंटिकेटेड राउट में मेरे पास क्या आ गया profile.mjs आ गया मे बी, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं वो ला के प्रोफाइल यहाँ पे रखूँगा जो मैंने रूट पे छोड़ा हुआ है ना रखे, वो मैं एक्चुअली अब इसके अंदर ला के रखूँगा, सही है ये सारा का सारा मैं डेटा इसमें से उड़ाता हूँ ये सर्च। अच्छा सर्च में भी तो एक अनऑथेंटिकेटेड चाहिए होगा मुझे, क्योंकि बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है तब भी वो सर्च शायद सम टाइम कर पाता है, लेकिन वो सर्च ज़रा और तरह का होगा और ज़रा लिमिटेड होगा वो। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर आके एक अदद अनऑथेंटिकेटेड राउट की एक लिस्ट बना देनी है, पोस्ट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, फीड गेट नहीं कर सकता ऑब्वियसली क्योंकि हमें पता ही नहीं है बंदा कौन है तो हम दिखाएंगे क्या। अच्छा पोस्ट्स को गेट कर सकता है, पोस्ट्स को गेट कर सकता है, सही है पोस्ट को गेट कर सकता है अनऑथेंटिकेटेड बंदा भी, लेकिन वो क्या कर सकता है वो एक खास बंदे की पोस्ट गेट कर सकता है। मैं बोलूँगा भाई स्लैश करके क्या होगा आपका, स्लैश करके ना यूज़र आईडी आपको देनी पड़ेगी कि उस बंदे की पोस्ट लेकर आओ, फीड तो ला नहीं सकते ना हम, फीड तो हम ला ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा इसमें एक्चुअली मुझे अंडर स्कोर आईडी इस तरह नहीं चाहिए थी, इस तरह नहीं चाहिए थी मुझे,
मुझे पैराम्स में चाहिए था, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा मैं, कि भाई अगर पैराम्स नहीं है तो आप उसको मना कर दो। सही है, पैराम्स अगर नहीं है मैं यहाँ पे साफ बोलता हूँ कि यार अगर अनऑथेंटिकेटेड राउट में खड़े हो कि आप पोस्ट को गेट कर रहे हो ना, तो ये आपने यूज़र आईडी देनी है पैराम्स के अंदर। अगर पैराम्स में यूज़र आईडी नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे भाई इनवैलिड यूज़र आईडी। सही है, यूज़र आईडी वैलिड भी होनी चाहिए और अनडिफाइंड भी नहीं होनी चाहिए। सही है, और फिर मैं इसको पोस्ट गेट करके दूंगा, और इसको पोस्ट गेट करने के लिए भी मैं क्या दूंगा, मैं बोलूंगा भाई सिर्फ इसकी ना 5 पोस्ट गेट करेगा ये, बस 5 से ज़्यादा नहीं, बस शुरू की जो लास्ट लेटेस्ट 5 है वो दिखाएगा ये। अच्छा, उसमें भी फिर मैं लगाऊंगा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें लगा दूंगा कि वो बंदा जो है ना उसने फ्रेंड्स ओनली ना किया हो या इस तरह की कोई चीज़ ना की हुई हो, ठीक है, तो वो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे ना मतलब अभी तो ऑथर आईडी जस्ट मैंने लगाया हुआ है, अभी इसके मैं कुछ और भी लगा दूंगा कंडीशंस के, भाई अनऑथेंटिकेटेड बंदा इसको गेट कर रहा है तो वो क्या है मिसाल के तौर पर ना। अच्छा, ये करके मैंने इसको दिखा दिया, तो ठीक है जी, ये पोस्ट गेट करने वाली एपीआई यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब मुझे चाहिए स्लैश प्रोफाइल, ये स्लैश प्रोफाइल आ गया मेरे पास। सही है, गेट प्रोफाइल मिडलवेयर। अच्छा, अब इसको मुझे शायद अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो मैं इसके अंदर ही मौजूद हूँ ना, तो मैंने इसको इसके अंदर ही कर दिया। तो अब मेरे पास एक आधा स्लैश प्रोफाइल भी है यहाँ पर, ठीक है, गेट स्लैश प्रोफाइल, और स्लैश प्रोफाइल के अंदर भी मैं इसको ये बोल देता हूँ कि यार यूज़र आईडी होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि जस्ट मेरी प्रोफाइल, यूज़र आईडी होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि यार स्लैश यूज़र आईडी, ठीक है, स्लैश यूज़र आईडी आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये डिकोडेड विकोडेड तो यहाँ है ही नहीं ना, डिकोडेड वगैरह तो है ही नहीं, तो मैं बोलूँगा कि यार ये होनी भी चाहिए, और एंड एंड यूज़र आई डी इज़ नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ये भी मैंने बात बता दी। ठीक है, मैंने कहा भाई यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन मारो, यूज़र आई डी से बंदा ढूंढो, और ये इसमें इज़ एडमिन वगैरह मत बताओ, ना इसकी अंडर स्कोर आई डी बताओ, बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल बताओ, सीधी सीधी चीज़ है छोटी मोटी। सही है ये, क्योंकि बंदा वैसे भी अनऑथेंटिकेटेड है इस वक्त, इससे ज़्यादा उसको गेट नहीं करवाता मैं। ठीक है, पुट वुट की एपीआई मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, पुट जब करेगा जब होगा, डिलीट भी नहीं कर सकता ये बंदा अनऑथेंटिकेटेड वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे टोटल कितनी एपीआई बना दी, दो, एक स्लैश पोस्ट एक स्लैश प्रोफाइल। अच्छा, सर्च भी अभी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अभी सर्च को हम थोड़ी देर में देखेंगे कि उस पर क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे अनऑथ राउट्स मैंने बनाए हुए हैं ना, अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अपने सर्वर पर, और मैं जो ये गेट प्रोफाइल बना देता था ना, यहाँ रूट पर बना दिया था मैंने गेट प्रोफाइल, अब मैं इस तरह नहीं बनाऊँगा इसको, अब मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से। अब मैं बोलूँगा कि यार आप ये करो, आप क्या करो कि अगर तो आप चेक करोगे ना कि ये इसके अंदर बैरियर के अंदर कि बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अगर बंदा अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है अगर, तो आप क्या करोगे कि कैच के अंदर इसको ये नहीं बोलोगे कि 401 और चले जाओ यहाँ से आप। ठीक है, पहले आप इसको 401 पे भेजने से पहले, 401 पे भेजने से पहले ही मैं काम कर रहा हूँ, याद रखिएगा, क्यों कि अगर वो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यार मैच ऑल अनऑथ राउट्स, इस जगह पे मैं बोलूँगा कि यार सारे अनऑथ राउट के अंदर ना जाओ और जाके चेक करो आप कि ये कहीं पे मैच तो नहीं हो रहा, अगर किसी पे भी मैच नहीं होगा ना तो आखिर में गिरेगा इसी पे आगे। सही है, अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊँगा, यहाँ पे मैं लगाऊँगा ऐप डॉट यूज़, अब आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ मैं इस तरह लगा सकता हूँ या नहीं, लेकिन देखते हैं करके। इसका वैसे करने के और भी 2-3 अलग अलग तरीक़े हैं जिससे ये हो जाता है काम, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ कि जो है ना, फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ इसको ऐप डॉट यूज़ यहाँ पे लगा के देखता हूँ। सही है, ऐप डॉट यूज़ मैंने कैसे लगाया हुआ था, इस पे पहले अनऑथ राउट को ऊपर मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अनऑथ राउट्स, और मैं कह देता हूँ कि भाई राउट्स स्लैश ओके, अनऑथ राउट अलग है, अनऑथ राउट्स स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, अनऑथ राउट्स मैंने बोला यार ये सारे फिलहाल एक ही हैं, एक्चुअली मैं अलग अलग 3-4 भी हो सकते हैं, ये
इसको मैं बल्कि अनऑथ प्रोफाइल बोल देता हूँ, सही है, अनऑथ प्रोफाइल, प्रोफाइल राउटर भी इसके आगे लगा देता हूँ, अनऑथ प्रोफाइल राउटर है ये, कि प्रोफाइल वगैरह गेट करने के काम आता है। तो मैं बोलता हूँ कि यार आप क्या करो, इसको आप भेज दो अनऑथ प्रोफाइल राउटर के ऊपर ना, सही है। और मैंने ये ऐप डॉट यूज़ के साथ, आप नोट करें, कोई वो नहीं लगाया, कोई राउट नहीं दिया मजीद, क्योंकि ये ऑलरेडी स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन के अंदर है, ये ऑलरेडी स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन के अंदर है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश ऐसे करके हिट करूँगा, तो मेरे पास अभी भी वो स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आई डी वो चलनी चाहिए। अगर वो चल जाती है तो इसका मतलब है कि सही बना। जाता हूँ मैं इनकॉग्निटो पे और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नो डेटा आ गया। ये क्या सीन है भाई, मेरा सर्वर तो नहीं क्रैश हो गया? नहीं, सर्वर सही है। दोबारा इसको हिट करता हूँ, स्लैश प्रोफाइल था ना, स्लैश प्रोफाइल में 401 आ रहा है अभी भी, चेक कर लेते हैं 401 क्यों आ रहा है। मेरा जो URL है वो क्या है, स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन स्लैश प्रोफाइल है। अच्छा, इस पर तो आएगा ना, जो नीचे वाला है उस पर मसला नहीं होना चाहिए, हाँ इस पर नहीं आना चाहिए, स्लैश प्रोफाइल और स्लैश उसकी आईडी भी है बंदे के साथ, इस पर नहीं आना चाहिए वो मसला। अभी मैं शायद भूल रहा हूँ कि ये काम किस तरह से करते थे हम। अभी मैं शायद भूल रहा हूँ कि ये काम किस तरह से करते हैं, क्योंकि ऐप डॉट यूज़ करके तो उसको हम रजिस्टर करेंगे अगर, तो ये तो इस तरह से रजिस्टर नहीं होगा, इस तरह से तो रजिस्टर नहीं होगा ये, इसको रजिस्टर करने का कोई दूसरा तरीका होगा मेरे। राउट टू ए स्पेसिफिक राउटर पे मैं अगर इसको राउट कराना हो मुझे, तो मैं इसको कैसे करूँगा, चेक 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 चेक, उस तरह से बताया हुआ है कि इसको आप इधर ही कॉल कर दो, इस राउटर को इसको आप कॉल कर दो इस तरह, और इसमें ये रिक्वेस्ट जो है और कॉमा रिस्पॉन्स जो है ना इसके अंदर आप ऐसे पास कर दो, और ये फिर इधर नहीं होगा, ये फिर इधर नहीं होगा, और ये उसके अंदर होगा, ये जहाँ पे जा रहा है ना वहाँ पे लास्ट के अंदर, यानी अनऑथ राउट्स के अंदर लास्ट में यहाँ पे ये लगा हुआ होगा कि जी अगर राउटर के ऊपर जो है ना राउटर डॉट यूज़ अगर कोई चीज़ नहीं हिट होती यहाँ पे, तो लास्ट में ये उसको बोल देगा कि यार क्या हो गया आपका 404 हो गया। आना शुरू हो गया, सही है, ये बंदे की प्रोफाइल भी आना शुरू हो गई, बंदे की पोस्ट भी आना शुरू हो गई। लेकिन अगर मैं यहीं पे कोई ऐसा URL हिट करता हूँ, मतलब मैं अपने ऐप के अंदर आके मैं एक ऐसा URL लगा देता हूँ इसमें जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे फिर ये मुझे बोल देगा कि यार आपका जो है ना ये URL एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। मिसाल के तौर पर मैं पेजेस पे आता हूँ, और जो मेरा ये प्रोफाइल पेज है ना एक्चुअली, अभी अब अगर इस प्रोफाइल पेज के ऊपर अभी तो मैं क्या बोलता हूँ कि क्या गेट करो प्रोफाइल में, ये है ना गेट ऑल पोस्ट है एक्चुअली, या गेट प्रोफाइल है मिसाल के तौर पे, तो गेट प्रोफाइल में अगर मैं गेट प्रोफाइल का एल गायब कर दूँ, तो अब दिस URL इज़ एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट, प्रोफाइल का मैंने एल यहाँ से गायब कर दिया, तो ये भी तो चलना चाहिए ना, क्योंकि आखिर में कुछ नहीं मिले तब उसको एटलीस्ट बोलना चाहिए कि भाई 404 बोलना चाहिए या 401 बोल देना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये जहाँ पे मैंने एल गायब किया था वहाँ पे भी 401 आने लग गया, ठीक है, जहाँ पे मैंने एल को गायब कर दिया था वहाँ पे भी क्या आने लग गया,
401 आने लग गया है. वेल आई डोंट थिंक यार ब्रांचिंग का ये तरीका कोई अच्छा तरीका है. मैं इसको अंडू कर रहा हूँ एक्चुअली, अभी इसको मैं अभी के लिए अंडू कर रहा हूँ ना, ठीक है. इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और ये मैच ऑल राउट्स को मैं स्टिल क्या लगा रहा हूँ, टूडू पे लगा रहा हूँ. सही है, टूडू के ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ कि यार ये वाला काम जो ना हो जाए, क्योंकि इससे मेरी एक चीज़ अभी भी इससे वो नहीं होती, यहाँ पे मेरी एक चीज़ अभी भी क्या नहीं होती, फुलफ़िल नहीं होती. मैं अपने 404 को और अपने 401 को मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे ना. मुझे अपने 401 को और 404 को डिस्टिंग्विश करना है कि अगर एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट ही ना करता हो राउट तो वो 404 पे जाए, और अगर वो एग्जिस्ट कर जाता हो तो फिर उसको 401 के ऊपर लेकर जाए वो. ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को. मेरा ख्याल है हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है आज. अपने होम को बना लिया, हमने होम के ऊपर तमाम पोस्ट दिखा देता हूँ मैं, और प्रोफाइल बना लिया जिसके ऊपर मैं सिर्फ इस बंदे की पोस्ट दिखा देता हूँ. अब यहाँ पे देखो प्रोफाइल आना, अच्छा प्रोफाइल को मैंने वो चेंज मारा है ना यहाँ से, उसको भी तो सही कर दूँ मैं. प्रोफाइल का एल मैंने गायब कर दिया था ना. सही है, हाँ तो ये हमने कर लिया था. अबे अभी भी मसला कर रहा है ये, क्या हो गया इसको. हाँ वो अनप्रोटेक्टेड ही में पड़ा हुआ एक्चुअली, प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर अब है ही नहीं वो प्रोफाइल ना, वो सिर्फ अनप्रोटेक्टेड वाले में ही था. वैसे भाई तब प्रोफाइल गेट हो तो रहा है, प्रोफाइल गेट हो तो रहा है, प्रोफाइल गेट हो रहा है, बट ये इधर दिखा नहीं रहा यार, क्या बकवास है यार. हाँ प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स जो है ना, /API/V1/profile है ना. मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ और मैं अपने सर्वर पे क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये इसके अंदर प्रोफाइल है या नहीं है. नहीं, ये मैंने /profile लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ /profile पे ही आएगा, यानी लॉगिन वाले पे आएगा. हाँ वो मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए. वेल तो उसको हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कि उसको बेस्ट तरीका उसका क्या होगा कि वो ऑथेंटिकेट में भी मुझे सही मिले और अनऑथेंटिकेट में भी, और मेरा 404 और 401 ये दोनों अलग अलग डिस्टिंग्विश हो जाए. ठीक है जी. अच्छा यार मैं इस बारे में सोच रहा था ना, जो अनप्रोटेक्टेड राउट्स हम लास्ट बना रहे थे, पहले तो उसको हम चला लेते हैं ज़रा एक दफ़ा. npm run dev, सही है जी. और अच्छा हम जो अनप्रोटेक्टेड राउट बना रहे थे, उसमें ये हो रहा था कि जी हम जब प्रोफाइल पे जाते थे /profile पे, तो ये कुछ इस तरह का लिंक हम ओपन करते थे, और हम ये चाहते थे कि जब इनकॉग्निटो में कोई इसको ओपन करे तो भी ये लिंक ओपन हो जाए और उस बंदे की प्रोफाइल ओपन हो जाए और उस बंदे की पोस्ट जो है वो गेट हो जाए. हम ये चाहते थे, इसके लिए हमने अनप्रोटेक्टेड राउट्स में भी प्रोफाइल गेट करने की API बना ली थी और पोस्ट गेट करने की API बना ली थी. सही है, तो हमारा जो फ्लो था ना वो किस तरह का बन गया था कुछ, इसको ना एक ड्राइंग बना के हम समझ लेते हैं कि हमारा जो फ्लो है ना अभी वो किस तरह से बन गया है. खुल जा सिम सिम. ये मैंने एक ड्राइंग ऐप ओपन कर लिया, अच्छा इस ड्राइंग ऐप में मैं ज़रा पेंसिल पकड़ देता हूँ. तो हमारा जो सबसे पहला जो मेरे सर्वर के ऊपर हिट होगा राउट का, वो ये होगा कि जी एक बंदा यहाँ पे आता है मेरे सर्वर पे, ठीक है. मैं अपने सर्वर का कोड भी साथ साथ लगा लेता हूँ इसके, ताकि हम बैक एंड फोर्थ उसको देख सकें. तो हमारे पास जो है ना एक बंदा आता है मेरे सर्वर पे, सर्वर की रूट फाइल किधर गई मेरी,
ये मेरे सर्वर की रूट फाइल है। सही है। अच्छा तो सबसे पहले तो ऑथ राउट्स हैं जिनसे वो गुजर के आता है जी। हाँ कर लो आगे। तो सबसे पहले तो ऑथ राउट है जिसके ऊपर वो आ रहा होता है ना, यानी ऑथ राउट। अब ऑथ राउट में या तो वो लॉगिन पे आ सकता है या तो वो साइनअप के ऊपर आ सकता है। सही है, ये लॉगिन हो गया, ये साइनअप हो गया मिसाल के तौर पे। अच्छा अब इसके आगे का जो फ्लो है ना, उसके बाद लगा हुआ है मेरे पास एक अदद, आप इसको कह लें कि जो है ना एक मेरे पास ना कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है जो कि मेरा एक्चुअली क्या है, जो जो बैरियर जो मेरा है वो ये वो लगा हुआ है। ठीक है, अभी फ्लो चार्ट नहीं एक्चुअली, बस जो भी समझ लो उसको। अच्छा अब इस बैरियर से अगर तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है, मिसाल के तौर पे बैरियर पे अगर वो हो गया यस, यानी कि यस टोकन है बंदे के पास, यस हो गया, तब तो ये जाएगा नीचे सीधा, और नीचे जाने के बाद ये चला जाएगा मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या है इसके बाद, पोस्ट वाली राउट के ऊपर ना, कि जी पोस्ट को वो गेट कर रहा है और पोस्ट को वो कर रहा है, और यहाँ पे इसके बाद क्या होगा अल्टीमेटली, यानी दो चार राउट्स के बाद अल्टीमेटली एक पॉइंट पे ये पहुँचेगा, और यहाँ पे कौन सी वो स्टेटिक सर्विंग की फ़ाइल पड़ी हुई है ना, यहाँ पे स्टेटिक सर्विंग हमने की हुई है, ये पिंग भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेटिक सर्विंग की हुई है उसके बाद, तो यहाँ पे स्टेटिक सर्विंग आ जाएगी इसके बाद हमारे पास, ठीक है। और स्टेटिक सर्विंग पे भी अगर वो हिट नहीं होता रिक्वेस्ट, तो अल्टीमेटली यहाँ पे उसको 404 मिल जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली 404 मिल जाएगा उसको, ठीक है। अच्छा एक्चुअली हमने 404 नहीं किया हुआ, हमने कहा हुआ कि स्टेरिक के ऊपर ना वो इंडेक्स की फाइल दे दे, ठीक है, तो एक्चुअली 404 नहीं देगा वो उसको इंडेक्स के ऊपर मूव करवा देगा, ठीक है, तो उसको वो इंडेक्स के ऊपर मूव करवा देगा, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन की एक क्लासिक अप्रोच होती है। अच्छा लेकिन अब यहाँ से जो है ना हमारे पास अगर ये हो जाता है नो, कि यार बैरियर पे उसको टोकन अगर नहीं मिला, ठीक है, बैरियर पे अगर क्या हुआ इसको टोकन अगर नहीं मिला, तो यहाँ पे इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो ये स्टिल कवर कर सकता है, कुछ ऑप्शंस हैं जो कि स्टिल ये कवर कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोफाइल को गेट कर सकता है एक बंदे की, ठीक है, और ये कर सकता है एक बंदे की पोस्ट को गेट कर सकता है, ठीक है, और अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है 404 हो जाता है, ओ सॉरी 401 हो जाता है, जो हमने कल जो अप्रोच की थी ना उसमें क्या हो रहा था कि इस पे किसी पे हिट नहीं होता था तो ये 401 हो जाता था, है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या मुझे 401 करना चाहिए, मेरा प्रॉब्लम ये था मेरे पास कि हम 401 में और 404 में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली तो यहाँ पे दो, मतलब अगर इस पे भी हिट नहीं हुआ और इस पे भी हिट नहीं हुआ तो इसका मतलब एक्चुअली तो 404 हुआ, कि जो ये मांग रहा है वो है नहीं इधर, जो ये मांग रहा है वो है नहीं इधर, ठीक है, लेकिन एक तरह से 401 भी हुआ, कि अगर ये दोनों नहीं है अगर, तो इसका मतलब है मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे वाली किसी राउट को हिट करना चाह रहा था जो कि नहीं हो पाया, तो 401 भी है इस तरह से। तो अब इसको हम यहाँ पे कैसे इस तरह से हैंडल करें कि मेरा 404 और 401 डिस्टिंग्विश हो जाए। अच्छा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे 401 और 404 को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्चुअली इसको डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ राउट्स ही ऐसे होंगे जो मेरे पास बग़ैर लॉगिन किए जो है ना वो एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे भी तो हम ये करते थे ना कि अगर लॉगिन है या साइन अप है तो हिट हो जाता था, अगर लॉगिन साइन अप के अलावा कोई भी एपीआई करेगा तो 404 401 पे आता था। हालांकि ये भी तो एक तरह से है ना कि भाई कोई ऐसी एपीआई लिख दी जो शुरू में नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ पे 401 ही होना चाहिए, ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया। तो ये बिल्कुल सही थी हमारी अप्रोच जो ना जो हमने कल की थी, ठीक है, 404 हमारे केस में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास ना ये वाली जो रिक्वेस्ट चल रही है ना वो किस पे चल रही है, /API/V1 पे चल रही है, ये V1 का राउट है एक्चुअली। अगर तो वो V1 के राउट पे नहीं आता तो इससे पहले भी एक मेरे पास एक ब्रांच बन रही है एक्चुअली मेरे सर्वर पे, कि मैंने बोला हुआ है कि यार ये ना /API/V1 के ऊपर ये सारा काम करना है, ये वाला ये काम किस पे करना है, ये /API/V1 के ऊपर ये सारा काम करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, एक अलग राउटर में ट्रांसफ़र मार सकता हूँ। अभी तो ये सामने पड़ा हुआ है ना, इसलिए शायद ये कन्फ्यूजन का सबब ज़्यादा बन रहा है। इसको मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक अलग राउटर के अंदर कन्फिगर कर सकता हूँ ताकि ये सामने से ख़त्म ही हो जाए, ठीक है, लेकिन शायद उससे कोड की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसलिए मैं फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा।
लेकिन आइडियली होना ये चाहिए कि ये मेरा जो ये आइटम है ना स्लैश एपीआई स्लैश वी1 के जो तीन राउट्स हैं सामने और ये चौथा भी राउट मेरे पास एक है, तो ये चार राउट्स जो हैं टोटल स्लैश एपीआई स्लैश वी1 वाले, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ये कर देंगे कि जो है ना अलग राउटर में कन्फिगर कर देंगे। अच्छा तो अभी मेरे पास क्या चक्कर है, अभी मेरे पास चक्कर ये है कि जो अनऑथ राउट्स हैं उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब ऐप डॉट यूज़ लगाता हूँ मैं और ऐप डॉट यूज़ में मैं टोकन वोकन चेक करता हूँ, तो टोकन वोकन चेक करने के बाद मुझे पता लगता है ना कि टोकन नहीं है अगर, तो मैं क्या करता हूँ इस जगह पे जो है क्या कर देता हूँ अनऑथ राउट्स को मैं लगा देता था यहाँ पे, ठीक है, अनऑथ प्रोफाइल राउटर ये नाम रखा था मैंने इसका, हाँ अनऑथ प्रोफाइल राउटर, ठीक है, अनऑथ प्रोफाइल मैंने ये नाम रख दिया था कि पता हो मुझे कि एग्जैक्टली इसके अंदर जो है ना अनऑथ वाली सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि मेरा जो यूआरएल है इसका, ठीक है, अच्छा इसमें मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लगा देता हूँ और चलो नेक्स्ट भी लगा देता हूँ, सही है, ये मैंने तीनों इसको दे के यहाँ से भेजा है क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक अ मिडिल वेयर ना, ये मिडिल वेयर है क्योंकि मैंने मिनी राउटर इसके लिए बनाया हुआ है, तो ये मिडिल वेयर है, तो मिडिल वेयर को मैं ऐप डॉट यूज़ करके ऐसे पास कर दूँ या मैं इस तरह करके पास कर दूँ एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, तो इस तरह करके मैंने इसको पास कर दिया है यहाँ पे से और ये मेरा ये टू डू हट गया है ऐसे, ये अनऑथ राउटर पे खुद ही चला जाएगा, तो इस अनऑथ राउटर के अंदर जितने भी राउट्स मौजूद हैं उन सब पे हिट करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं हिट होगा तो ऑटोमेटिकली ये इससे क्रॉस होकर ये इधर आके गिरेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, या मे बी शायद ये यहाँ पे मैं इसको ना बुलाऊँ, मैं इसके अंदर ही कहीं 401 में लास्ट में ना ये वाली चीज़ इसके अंदर ही मैं लगा दूँ लास्ट में कि भाई यहाँ पे, अच्छा 401 मैंने लगाया अभी यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ही मैं लगा दूँ कि वो बाहर आ ही ना पाए, ठीक है, यहीं पे मैंने लगा दिया। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे ये जो स्लैश पोस्ट है और ये जो स्लैश प्रोफाइल और स्लैश यूज़र आईडी है, क्या इसके यूआरएल में भी कहीं ना कहीं ये बात मेंशन होनी चाहिए कि ये अनऑथेंटिकेटेड यूआरएल्स हैं या अनऑथेंटिकेटेड राउट्स हैं, ये क्या इसके यूआरएल में भी ये बात मेंशन होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, मेरा भी यही ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, वो तो HTTPS की वजह से लगा हुआ होता है, ताला जो बना हुआ होता है ना, नहीं नहीं ये मैं दिखा देता हूँ क्या चक्कर है, वो जैसे देखो अभी यहाँ पे ना HTTPS बना हुआ नहीं आ रहा और यहाँ पे लिखा हुआ है योर कनेक्शन इस साइड इज़ नॉट सिक्योर, लेकिन जब मैं कोई दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ ना, जैसे ये मैंने अपना वो खोला हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये ताला बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, योर कनेक्शन इज़ सिक्योर मतलब है इसका, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये बता देता है कि यार जो भी ये वैलिड सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बता रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला चक्कर है, ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुझे ये नहीं बताना चाहिए, सही है। अच्छा तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी API रखी हुई है, सर्च की API जो कि मैंने बाद में प्लान किया हुआ कि मैं उसको बाद में यूज़ करूँगा, और उसके अलावा मैंने पोस्ट को गेट करने की यहाँ पे API बनाई हुई है जिसमें पोस्ट जो है ना लिमिटेड है, सिर्फ 5 पोस्ट गेट होती है, इसमें सिर्फ 5 की पोस्ट गेट होगी, उससे ज़्यादा पोस्ट गेट नहीं होगी अनऑथेंटिकेटेड होने की वजह से, ठीक है। उसके अलावा प्रोफाइल यूज़र का जो है वो गेट हो जाएगा, इसके लिए मुझे वैलिड यूज़र आईडी देगा अगर बंदा, तो उसको मैं प्रोफाइल गेट करके दे दूँगा, ठीक है, प्रोफाइल गेट करके मैं देता हूँ तो ये प्रोफाइल फेच हो गया, और ये तीन चीज़ें इसके अंदर मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं तमाम की तमाम चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल दे रहा हूँ, हालांकि जो मेरा ऑथेंटिकेटेड राउट है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं ज़रा मुख्तलिफ इस तरह से उसको मैं दे रहा होता हूँ प्रोफाइल। अच्छा तो ये हो गया जी मेरे पास स्लैश प्रोफाइल और स्लैश यूज़र आईडी। अच्छा अब एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर यही सेम राउट मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ, देखो मिसाल के तौर पे स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आईडी है ना, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि मैं अगर आता हूँ मेरे पास मेन सर्वर पे, और ये तो अनऑथ राउट यहाँ से मूव कर गया ना, मतलब ये पहला फ्लो चार्ट में पहला आइटम था, ये सेकंड आइटम था, अब यहाँ से या तो ये सीधा नीचे आएगा या तो लेफ्ट पे हो जाएगा, तो लेफ्ट पे होने की सूरत में ये अनऑथेंटिकेटेड राउट पे जा रहा है, अगर ये लेफ्ट पे ना जाए ये सीधा नीचे आए, तो यहाँ पे भी यही वाली API दोबारा हो सकती है सेम नाम से, लेकिन वो डिफरेंट डेटा रिटर्न करेगी,
यही वाली एपीआई यहाँ नीचे भी हो सकती है सेम नाम से, और वो डिफरेंट डेटा रिटर्न करेगी, जैसा कि हमारे पास है ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कहाँ गया वो? पोस्ट राउट के अंदर जाके ना, यहीं पे मैंने प्रोफाइल बना दिया था जिसको मैं इवेंचुअली अलग करूँगा, ठीक है। ये गेट प्रोफाइल, अच्छा यहाँ से मैंने शायद सिर्फ प्रोफाइल लगा दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आईडी भी था, वो मैं वापस ले आता हूँ वहाँ से जाके ना कॉपी करके, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि एक ही एपीआई को अगर ऑथेंटिकेटेड बंदा हिट करेगा तो उसको अलग तरह का डेटा मिलेगा, क्योंकि वो सीधा नीचे आ रहा है, और सीधा नीचे आता है तो वो एपीआई बीच में मिल जाती है। लेकिन अनऑथेंटिकेटेड बंदा ना, तो बीच में वो बैरियर पे आके वो लेफ्ट मुड़ जाता है, तो लेफ्ट पे भी वो वाली एक एपीआई है, तो उसको वो वाला डेटा मिलता है। तो हम ज़रा ना वो जाके वहाँ से उठा के ले आते हैं। अनऑथ राउट्स किधर बना दिया मैंने? अच्छा ये मैं फ्रंट एंड पे आ गया हूँ ना, फ्रंट एंड पे नहीं आना मुझे। सही है, तो मैं यहाँ पे से ना ये वाला भी उठा लेता हूँ। सही है, मैं सर्वर पे आया, पोस्ट राउट के अंदर आया, और पोस्ट राउट के अंदर आके मैंने ये लगा दिया, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आईडी। सही है, अब गेट प्रोफाइल मिडलवेयर के अंदर मुझे क्या मिलता है? मुझे इज एडमिन भी मिलता है और मुझे अंडर स्कोर आईडी भी मिलती है, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा तो अब मैं जो लॉगिन, एक्चुअली जो मैं मेक श्योर करता था कि बंदा मेरा लॉगिन है या नहीं है, वो एक्चुअली मैं स्लैश प्रोफाइल को हिट करके चेक करता था, ठीक है। अच्छा स्लैश प्रोफाइल नाम का जो है ना उस तरफ कुछ नहीं है, स्लैश प्रोफाइल नाम का सिर्फ इधर ही है, उधर जो है ना वो क्या है, स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र आईडी नाम का उधर है, ठीक है, बाकी वो दूसरा वाला उधर नहीं है। डायरेक्ट लिख के स्लैश प्रोफाइल हिट करेंगे तो वो तो पहले फ्रंट एंड के राउटर को मिलेगा, वो तो फ्रंट एंड के राउटर को मिलेगा, हाँ। और अगर मैं पोस्टमैन से स्लैश प्रोफाइल लिख के हिट करूँगा तो अगर टोकन हुआ तो इस वाले पे आएगा, अगर टोकन नहीं हुआ तो इस वाले फ्लो चार्ट के हिसाब से। ये मेरा देखो एक एक सेम नाम से इधर भी है और एक सेम नाम से इधर भी है। अगर ऑथेंटिकेटेड बंदा आएगा तो वो इस वाले पे हिट होगा आगे, और अनऑथेंटिकेटेड होगा वो तो इस वाले पे हिट होगा, और दोनों एक दूसरे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सही है। तो ये जो हमने ड्राइंग बना के ज़रा इसको समझने की कोशिश की है, तो हम अपने ज़रा फ्रंट एंड पे भी इस चीज़ को ना स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं कि हम कौन से वाले पॉइंट पे ना हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा नंबर एक तो हम लॉगिन वाले में किस पे डिपेंडेंट है उसको ज़रा एक दफ़ा मेक श्योर कर लेते हैं कि लॉगिन वाले पे हमारे पास यही वाला आ रहा हो जो कि प्रोटेक्टेड राउट है, कोई दूसरा वाला नहीं आ रहा हो। सही है, आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और हम यहाँ पे बल्कि इसको यहीं पे से चेक हो जाएगा ना, ये यहीं पे से चेक हो जाएगा, इसको मैं रिफ़्रेश करने पे मुझे पता लग जाएगा वो हर दफ़ा उसी को हिट करता है। अच्छा इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये जी स्लैश प्रोफाइल को हिट करता है ये, ठीक है, जो कि ऑथेंटिकेटेड राउट है, और इसके रिस्पांस में मुझे ये अंडर स्कोर आई डी देता है, ठीक है, रिस्पांस में मुझे अंडर स्कोर आई डी देता है। अच्छा लॉगिन करते वक्त ये किसको हिट करता है? लॉग आउट करके ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, लॉगिन करते वक्त ये किसको हिट कर रहा होता है? abc@abc लगाया मैंने और लॉगिन का बटन दबाया, ये क्या हुआ? मेरा सर्वर ब्रेक हो गया, ओके, कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट। वो एक्चुअली ये हो रहा ये है कि जो है ना, एक्चुअली ये हो रहा, पता है क्या है, ये हो रहा ये है कि मेरा जो बैरियर है ना, आई थिंक ये हो रहा है कि देखो जब ये इसके अंदर एंटर होता है ना अनऑथेंटिकेटर, कभी ना कभी तो इसमें एंटर होगा, तो इसके अंदर से भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो जाता है, फिर इसके फ़ौरन बाद आगे आता है तो यहाँ भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो जाता है, तो डबल डबल रिस्पॉन्स सेंड होने की वजह से एरर आ रहा है। तो मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जहाँ रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है ना, यहाँ पे मैं रिटर्न भी लगा देता हूँ। सही है, रिटर्न भी लगा देता हूँ, उससे क्या होगा ये यहाँ पे रुक जाएगा। सही है, अबे मेरा सर्वर अभी भी ब्रेक हो रहा है, क्या चक्कर है? स्लैश प्रोफाइल गेट हो रहा है, हाँ सही है, स्लैश प्रोफाइल हिट हो रहा है तो नहीं मिलना चाहिए, 401 मिलना चाहिए, लेकिन सर्वर अभी भी मेरा ब्रेक क्यों हो रहा है, किस खुशी में हो रहा है? uh,
अगर इसको मैं 2 मिनट के लिए रोक दूं तो ये सेट हो जाएगा क्या? हाँ ये असल में 4001 हो रहा था एक्चुअली, सही है इसकी वजह से, ये 4001 हो रहा था। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक रिटर्न यहाँ पे भी कॉल करना होगा। हाँ नहीं, इसको यहाँ पे जाने के बाद रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे एक रिटर्न कॉल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ ना कि मिडलवेयर से एग्जिट हो जाइए, तो वहाँ पे मुझे रिटर्न कॉल करना होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट सेंड कॉल करने से ना ये फंक्शन एंड नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फंक्शन है, ये फंक्शन एंड नहीं होता, ये जो मिडलवेयर फंक्शन है ना इसको एंड करने के लिए मुझे रिटर्न कॉल करना पड़ता है यहाँ पर। तो अब मेरे पास मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस अनऑथ के अंदर जो है ना 401 देता है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा 401 नहीं भी देगा ना तो यहाँ से रिटर्न कॉल किया मैंने, यहाँ से रिक्वेस्ट आके जा नहीं पाएगी, है ना। जैसे मुझे अगर असल में मुझे प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं 401 नहीं करता हूँ तो रिक्वेस्ट कहीं यहाँ से निकल के आगे ना बढ़ जाए, इधर ना पहुँच जाए, है ना। लेकिन मैंने रिटर्न कॉल कर दिया है तो बस यहाँ पे ये करके ख़त्म हो जाएगा, इसके आगे ये बढ़ने ही नहीं देगा, ये फंक्शन को यहीं एंड कर देगा, ठीक है। अगर इवन इसमें से नेक्स्ट भी कॉल होगा, इसमें से अगर इसमें नेक्स्ट पाई दे, देख क्यों रहा हूँ मैं, इसमें तो नेक्स्ट दूंगा भी नहीं ना मैं, इसको मैं चाहता हूँ कि बस ये जितना है उतना ही रहे, नेक्स्ट इसको दे ही नहीं रहा मैं, तो ये मेरा जी सिक्योर हो गया बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा अब आके मैं लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने पे मैं चेक करता हूँ, ये तो स्लैश प्रोफाइल गेट कर रहा है, इसको नहीं मिल रहा क्योंकि अभी लॉगिन नहीं है ये, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको लॉगिन करके ट्राई करता हूँ कि ये क्या करता है, ठीक है। अगर कोई गलती होगी यहाँ पे तो उसको हम ठीक कर लेंगे। अच्छा स्लैश लॉगिन जब हिट होता है तो उस वक्त ये कोई और API हिट नहीं करता, स्लैश लॉगिन पे इसको ईमेल और अंडरस्कोर ID और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, लॉगिन करते हुए प्रोफाइल वाले को हिट नहीं करता ये, लॉगिन पे इसको पूरा प्रोफाइल मिल जाता है, ठीक है। और जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, स्लैश प्रोफाइल के ज़रिए उसको पता लग जाता है कि ये बंदा कौन है, सही हो गया, बेहतरीन हो गया ये। अच्छा अब अनऑथेंटिकेटेड वाले में ज़रा देख लेते हैं कि अनऑथेंटिकेटेड वाले में ये काम सही तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अनऑथेंटिकेटेड वाले में क्यों, उसका रीज़न पता है क्या है, ये मसला करेगा अनऑथेंटिकेटेड वाले में ना, अनऑथेंटिकेटेड वाले में नहीं मसला किया इसने यार, ऐसा कैसे हो गया, इसमें मसला करना चाहिए था, इसको मसला इसलिए करना चाहिए था क्योंकि अनऑथेंटिकेटेड में जब मैं प्रोफाइल गेट करता हूँ ना तो प्रोफाइल में अंडरस्कोर ID नहीं है, याद है, प्रोफाइल में अंडरस्कोर ID नहीं है। और मैंने लॉजिक क्या लगाई हुई थी फॉर्म को छुपाने की, कि अगर अंडरस्कोर ID और ये दोनों इक्वल हो जाए तो सिर्फ दिखाना है वरना नहीं दिखाना। अरे हाँ सही है ना, इक्वल नहीं हुआ मतलब अनडिफाइन है तो इक्वल नहीं हुआ, सही है, तो मेरी लॉजिक ब्रेक नहीं हुई है, सही है मेरी लॉजिक। अच्छा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे क्या हिट करता है, ये इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये दो चीज़ें हिट करता है, नंबर एक तो प्रोफाइल हिट करने की कोशिश करता है ताकि चेक किया जा सके कि लॉगिन है या नहीं है, तो प्रोफाइल 401 हो जाती है लिहाजा लॉगिन नहीं है। अच्छा लॉगिन नहीं होने की सूरत में फिर ये एक स्लैश प्रोफाइल कौन सी हिट करता है, ये एक स्लैश प्रोफाइल नहीं, ये वाली नहीं है, अच्छा, ये एक्चुअली हुआ ही है कि ये पेज असल में पहले से खुला हुआ था ना, तो ये नॉट मॉडिफाइड करके इसने दे दिया, इस पेज को एक्चुअली मुझे क्लोज़ करना होगा और क्लोज़ करके उसको दोबारा से ओपन करना होगा ताकि वो पुरानी चीज़ें जो है ना ये भूल जाए। अच्छा ये आ गया जी, लोकल होस्ट पे प्रोफाइल इसको मिल गई, सही है जी, प्रीव्यू पे इसको ये डेटा भी मिल गया। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। तो मेरा यहाँ तक जो है ना ये
यहाँ तक जो हमारा ना जो लॉगिन वाले जो मामलात थे ना वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने काम ये करना है कि थोड़ी सी इसमें अब ज़रा स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत हमने कोडिंग कर ली है और अच्छा खासा हमने एक अच्छी खासी ऐप बना ली है हमने लंबी चौड़ी, लेकिन इसके अंदर ना हमने अभी तक स्टाइलिंग कोई अप्लाई नहीं की है। ठीक है, ये कितनी सारी हमने फाइलें यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं लेकिन इस पर कोई किसी किस्म की स्टाइलिंग नहीं है। तो थोड़ा सा हम अपना टाइम स्पेयर करके ना इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं, ताकि ना हम जब आगे प्रोसीड करें तो हमें भी यार कुछ ऐप बनाने में अच्छा लगे, ताकि ढंग की कुछ चीज़ दिख रही हो सामने। अभी तो पता नहीं क्या बना दिया हमने ना। सही है, फंक्शनैलिटी तो हमें सारी पता है, लेकिन यार ब्यूटिफिकेशन भी कोई चीज़ होती है, गार्निशिंग भी कोई चीज़ होती है ना। ठीक है, तो अब हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं।